ओके पीपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। हेलो पीपल, हेलो पीपल, हेलो पीपल, हाउ आर यू पीपल, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छेउ, कसकाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से, यस, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग दोस्तों। एंड यस, हम लोग आज करेंगे, आज हम लोग करेंगे दोस्तों पहले सोर्सेज ऑफ लॉ और उसके बाद शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है बड़ी। सो लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, आई एम हैविंग प्रॉब्लम, सो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा तो आगे के दिन ना बिगड़े, सो आई विल नॉट स्ट्रेच मच। 12:45 तक लेक्चर लूँगा, ठीक है। आज 2 hours 15 minutes तक का लेक्चर होगा आज। बाकी की बातें हम कब करेंगे? कल, कल करेंगे सेम। कल 3 घंटे लूंगा वापस। एंड परसों से तो आप, मेरा टाइमिंग चेंज हो रहा है, परसों से माय टाइमिंग्स विल बी 11 to 1:45 विल बी माय टाइमिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, ठीक है बड़ी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। बढ़िया से पूरा सोर्स ऑफ लॉ आपको कंठस्थ याद ही करवा देता हूं आज पूरा। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, मैं ना इसको आपको याद ही करवा देता हूं पूरा का पूरा, ए टू जेड, मतलब आपको याद ही हो जाएगा क्लास में, पक्का देखना आप लोग। चलिए सो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन पीपल, लेट्स बिगिन पीपल, लेट्स बिगिन पीपल, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, शुरू करते हैं, जय श्री राम। आ जाओ दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग। एंड आप लोगों ने कल पढ़ा, कल पढ़ा आप लोगों ने, कितना हो गया? जितना मैंने पढ़ाया उतना आपका जेएचएल हो चुका है घर पे? कितना हो गया, कितना बाकी है? हाँ, पूरा बाकी है, थोड़ा बाकी है। अच्छा, सो मेक श्योर करो साथ साथ पूरा हो जाए, बाय चांस किसी का नहीं होता तो चलो ठीक है, हो जाएगा। एविडेंस लेने वाले थे सर? नहीं नहीं, एविडेंस इसके बाद, पहले ये सोर्स ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव, देन फिर एविडेंस पे आएंगे, ठीक है। मेरे को बीच में नाइट लेक्चर्स लेने ही पड़ेंगे ऐसा लग रहा है, एक दो, चलो ठीक है। बट यस, लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। आ जाइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद सोर्सेस ऑफ लॉ, हियर वी गो। चलो अब ध्यान से सुनना पीपल, सीआरपीसी बाकी है। सीआरपीसी कल हुआ ना? कल तो सीआरपीसी हो गया। मैंने एविडेंस बोला था क्या आज? नहीं, कोई कह रहा है एविडेंस लेने वाले थे सर आप भूल गए। नहीं 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 नहीं, मैंने सोर्स ऑफ लॉ और यही बोला था, उसके बाद एविडेंस का कहा था मैंने, मैंने सोर्स ऑफ लॉ यही कहा था। चलिए ओके, वंडरफुल पीपल, आ जाओ। चलिए सर, आप डेली जितना कराते हो उसका 3/4 हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ओके, लेट्स बिगिन पीपल नाउ। चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन, सोर्सेस ऑफ लॉ शुरू कर रहे हैं आज। आइए सारे, बढ़िया टॉपिक है और इसको लर्न ही कर लेंगे आज हम लोग क्लास में, बताए पूरा का पूरा इसको घोट लेंगे। चलिए सबसे पहले लॉ क्या है ये बताओ, सबसे पहले बताओ लॉ क्या है दोस्तों, व्हाट इज लॉ? सो लॉ इज समथिंग विच रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर। लॉ क्या बड़ी? समथिंग विच रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर, ऐसी चीज जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करती है वो लॉ है, ठीक है। तुम्हें क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, कहां जाना अलाउड है, कहां जाना अलाउड नहीं है, किसके साथ मिलना अलाउड है, किसके साथ मिलना अलाउड नहीं है, ठीक है। आप लोग किसी से शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते, लड़का लड़का रिलेशन रख सकते हैं नहीं रख सकते, कौन किसके साथ में कैसे संबंध रख सकता है, ये सारी बातें कौन बताता है? लॉ। कंपनी को क्या अलाउड है, कंपनी को क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। सो आप लोग अभी YouTube पे लेक्चर देख रहे हो, इज दिस लीगल? अच्छा, कई कंट्रीज में पता यूट्यूब भी बैन है, तो वो वहां का लॉ है। बीच में पाकिस्तान में भी बैन हुआ था, वापस फिर शुरू हुआ, पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिए थे उन्होंने, है ना, सो फिर वापस चालू हुआ। बीच में इंडिया में पबजी बैन हुआ था, पता है आपको, फिर वापिस आया। किस नाम से आया, क्या नाम है उसका? नहीं रे, BGMI, BGMI के नाम से आया ना वो, फौजी तो एकदम थर्ड क्लास गेम है वो। अभी ध्यान देना पीपल, सो लॉ इज समथिंग विच रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ क्या है बड़ी? इट्स अ कमांड ऑफ सॉवरेन। व्हाट डू यू मीन बाय कमांड ऑफ सॉवरेन? व्हाट डू यू मीन बाय कमांड ऑफ सॉवरेन पीपल, बताइए? कमांड ऑफ सॉवरेन मतलब क्या होता है? What do you mean by command of sovereign, dude? The highest authority कौन है? Sovereign.
और सॉवरेन जो कहेगा वो क्या है, लॉ। सो हम कहते हैं लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी सॉवरेन, और सॉवरेन जो कहेगा वो क्या बन जाता है, सॉवरेन जो भी कहेगा वो क्या बन जाता है स्वीडन, वो बन जाता है लॉ। सो इसलिए हम कहते हैं लॉ इज व्हाट, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, है ना। चलिए इजी एवरीवन, ओके पीपल, नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। अच्छा मेरे को बताओ, लॉ में अलग अलग जूरिस ने अलग अलग बातें की है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, क्या लॉ में अलग अलग जूरिस ने अलग अलग बातें की है, यस और नो पीपल? तो अलग अलग जूरिस ने उन्होंने क्या किया, अलग अलग बातें, अलग अलग जूरिस ना जाने उनकी अलग अलग बातें। सो अलग अलग प्रकार के जूरिस ने उनकी अलग अलग प्रकार की बातें हैं। सो हम लोग अभी सबको शुरू करना है, आ जाओ भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल स्कूल। सबसे पहला कौन सा स्वीडन, नेचुरल स्कूल। सबसे पहला नेचुरल स्कूल ये हम ये पढ़ना है, फिर नेचुरल स्कूल के बाद हमने करना है 5 स्कूल पूरे करने हैं, नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक, ये पूरे हमें करने हैं, पांचों के पांचों आज। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, सोर्स ऑफ लॉ से पिछली बार 17 नंबर का आया था, इफ यू नो 17 नंबर्स का सोर्स ऑफ लॉ से आया था 17 नंबर, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में 5 का तो पक्का आता ही आता है, 5 तो पक्के हैं मतलब। चलो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल स्कूल, देखो मैं जितना मार्क कराऊंगा, जितना लर्न कराऊंगा उतना कर लेना, दैट्स इट, जितना बोलूंगा ना मैं उतना कर लेना, खत्म बात, मेरे साथ साथ लर्न कर लो। सबसे पहले नेचुरल स्कूल में याद रखना है, रोमन और एंशियंट जूरिस ने कहा था जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। मेरे साथ बोलो, किसने कहा था, रोमन्स और एंशियंट जूरिस, फिर से बोलो किसने कहा था, रोमन्स और एंशियंट जूरिस। एकदम एक्टिव हो जाओ, फटाफट मेरे साथ लर्न करा दूंगा, पूरा सोर्स ऑफ लॉ आज लर्न ही करा दूंगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दी से बताओ। रोमन्स और किसने कहा था, एंशियंट जूरिस, क्या कहा था, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। फिर से लो, क्या कहा था, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। एक बार फिर से बताओ, क्या कहा था, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। वंस मोर, फिर से बताओ, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। वंस मोर, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। किसने कहा था ये, रोमन्स एंड एशियन जूरिस। अच्छा आपको पता है ये नेचुरल स्कूल कहता है कि अगर आपको लॉ को समझना है ना तो पहले उसका पर्पस समझो, टू अंडरस्टैंड लॉ वन शुड अंडरस्टैंड इट्स पर्पस। अगर आपको लॉ को समझना है तो क्या समझना है, उसका पर्पस। और लॉ को समझना है तो लेजिस्लेचर के पास मत जाओ, कोर्ट के पास जाओ। किसके पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ, लेजिस्लेचर के पास मत जाओ। 2 पॉइंट और याद रखना है इसमें, कि अगर आपको लॉ समझना है तो पहले क्या समझो, उसका पर्पस। और लेजिस्लेचर के पास जाना है कि कोर्ट के पास, लेजिस्लेचर के पास जाना नहीं है, किसके पास जाना है, कोर्ट के पास। इजी। अच्छा अल्पाइन, सिसरो एंड जस्टिनियन डाइजेस्ट तीनों ने अपनी डेफिनेशन दी थी नेचुरल स्कूल में, तीनों याद करना है। अल्पाइन ने कहा था इट्स अ साइंस और आर्ट व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। बोलो क्या कहा था, इट्स अ साइंस और आर्ट व्हिच इज व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। कला या विज्ञान जो क्या समान है, क्या सही है, ये हमें लॉ बताता है। सिसरो कहता है इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। क्या कहता सिसरो ने, इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। नेचर में सबसे बड़ा कौन है, लॉ। और जस्टिन एंड डाइजेस्ट ने कहा था इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। इसने क्या नाम है, जस्टिनियन डाइजेस्ट, क्या कहा था, इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। इसने कहा था ये स्टैंडर्ड है जो बताता है क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है। अब पूरा नेचुरल स्कूल को कैसे याद करना है, चलो कम ऑन मेरे साथ पूरा नेचुरल स्कूल याद करेंगे। सबसे पहले किसने कहा था जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, रोमन एंड एशियन जूरिस। फिर से लो, किसने कहा था, रोमन्स एंड एशियन जूरिस, क्या कहा था, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। वंस मोर, क्या कहा था बड़ी, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। वंस मोर, क्या कहा था, जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। इजी एवरीवन। अच्छा मुझे बताओ, लॉ को समझना तो क्या समझना, पहले उसका पर्पस। लॉ को समझना तो कोर्ट के पास जाएंगे, लेजिस्लेचर, कोर्ट। तीन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। सबसे पहले अल्पाइन, क्या कहा था, इट्स अ आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने क्या कहा था, इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। और जस्टिन डाइजेस्ट ने इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। एक बार फिर से पूरा बोल दो नेचुरल स्कूल। चलो रोमन और एशियन जूरिस ने क्या कहा था, कम ऑन टेल मी फास्ट, इट्स अ जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। इजी, लॉ को समझना तो उसका पर्पस समझना है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लॉ किसके पास जाना है, कोर्ट के पास की लेजिस्लेचर, कोर्ट के पास जाना है, लेजिस्लेचर के पास नहीं जाना। अल्पाइन ने क्या कहा था, इट्स अ आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन डाइजेस्ट, इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। कंफर्टेबल पीपल, अरे कंफर्टेबल पीपल, यस और नो पीपल, वंडरफुल। नेचुरल स्कूल याद रहेगा,
क्या था नेचुरल स्कूल, एक बार फिर से बोलो किसने कहा था जस्टिस द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, रोमन एंड एशियन ज्यूरिस्ट। लॉ को समझना है तो किसके पास जाना है, कोर्ट के पास जाना है। लॉ को समझना है तो उसका पर्पस समझना जरूरी है, और कोर्ट के पास जाना है, लेजिस्लेचर के पास नहीं जाना है। अल्पाइन ने कहा था इट्स अ आर्ट और साइंस, व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने कहा था इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन डाइजेस ने कहा था इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। नेशनल स्कूल 5 नंबर के लिए 2 बार आया, अब आया तो बनेगा, पक्का बनेगा, ठोक के बजा के लिख दोगे हाँ या ना सभी लोग? ओके पीपल, वेरी गुड पीपल। सर मैसेज अभी आया है, हर्ष कहता है अभी आया मैसेज। अच्छा चलिए, अच्छा ध्यान देना। नेक्स्ट है पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। देखो पॉजिटिविस्टिक में 2 लोग थे, एक तो था जॉन ऑस्टिन और एक कौन था बताएगा कोई? केल्सन, हेंस केल्सन। और कौन था बताओ? एक तो था जॉन ऑस्टिन और एक कौन था? नहीं 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 नहीं, सेविंग तो हिस्टोरिकल में था। पॉजिटिविस्टिक में कौन कौन थे? जॉन ऑस्टिन और कौन था बताओ? जॉन ऑस्टिन था और कौन था साथ में? बेन स्टोक्स, क्या बोल रहे हो? हाँ बेन स्टोक्स कहाँ गया यहाँ पे? केल्सन था। कौन था बड़ी? केल्सन। इट वाज हेंस केल्सन, यस ही वाज ऑफ पॉजिटिविस्टिक। सो यस पॉजिटिविस्टिक में हेंस केल्सन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जॉन ऑस्टिन कर लेते हैं। सुनो पीपल, जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे। जॉन ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज अ सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर। ये कहता है लॉ कौन बनाता है, जो व्यक्ति कौन है पॉलिटिकली सुपीरियर। जो व्यक्ति पॉलिटिकली सुपीरियर है वो लॉ बनाता है। सही कहा गलत कहा? जॉन ऑस्टिन ने सही कहा गलत कहा? जो व्यक्ति पॉलिटिकली सुपीरियर है वो लॉ बनाता है। जॉन ऑस्टिन सेड इट राइट और रॉन्ग? ही सेड एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या कहा इसने कि लॉ कौन बनाता है, जो पॉलिटिकली सुपीरियर है। जो व्यक्ति पॉलिटिकली सुपीरियर लॉ बनाता है, ये किसने कहा था? जॉन ऑस्टिन। ही सेड इट एब्सोल्युटली करेक्ट। बड़ी इसने एब्सोल्युटली करेक्ट बताया कि लॉ वो व्यक्ति बनाता है जो कौन है, पॉलिटिकली सुपीरियर। इजी। अच्छा मुझे बताना आप लोग, इसने कहा था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन। सही का गलत का? इसने 2 चीज का, देखो क्या याद रखना है। पहली चीज क्या याद रखना है, लॉ कौन बनाता है जो क्या है पॉलिटिकली सुपीरियर, मतलब गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है। दूसरा इसने कहा लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन, सोवरेन मतलब सरकार, सरकार की कमांड है लॉ। सही का? सही का। जॉन ऑस्टिन 2 बात याद रखना है, लॉ इज मेड बाय वन हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन। इसने कहा लॉ में 3 चीजें होती है, कमांड ड्यूटी सेंशन। बोलो कितनी चीजें होती है? कमांड ड्यूटी सेंशन। इसने कहा जॉन ऑस्टिन ने कि इट ऑफ लाइक सर्टेन कोर्स और कंडक्ट और इम्पोजेज अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय सेंशन। मतलब लॉ आप पे कोई कमांड करता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है, मतलब वो आपकी ड्यूटी होती है। फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंशन। फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलती है, पनिशमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंशन। जॉन ऑस्टिन में कितनी बातें याद रखना है, सुनो पॉजिटिविस्टिक। सबसे पहला लॉ इज मेड बाय वन हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ इंप्लाइज अ ड्यूटी एंड इट इज बैक्ड बाय सेंशन। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ लॉ, व्हाट? कमांड, ड्यूटी, सेंशन। कितने बड़ी? कमांड, ड्यूटी, सेंशन। जॉन ऑस्टिन सिविल लॉ कौन बनाता है? हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर। लॉ इज व्हाट? कमांड ऑफ सॉवरेन। Law implies a duty and is backed by sanction. Law implies a duty and is backed by sanction. Law के 3 element है, कौन कौन से? Command, duty, sanction. फिर चलो क्या क्या? Command, duty, sanction. Law आप पे कुछ थोपेगा, that's a law, जो law ने आप पे लगाया है, आपको वो follow करना है, it's your duty, और follow नहीं किया तो punishment है, that's what? Sanction. ये किसने कहा था? John Austin. इसने कहा law कौन बनाता है, जो व्यक्ति कौन है? Politically superior. Easy everyone? इसने कहा लॉ वो बनाता है जो पॉलिटिकली सुपीरियर है, ठीक है। लॉ जो है क्या है बेटा? इट्स अ कमांड ऑफ सोवरेन। लॉ में 3 चीजें, क्या क्या? कमांड, ड्यूटी, सेंशन। कितनी चीजें बड़ी? कमांड, ड्यूटी, सेंशन। इजी पीपल? चलिए वंडरफुल। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डेफिनेशन। जितना मैं कह रहा हूं उतना लर्न करते जाओ मेरे साथ, पूरा सोर्स ऑफ लॉ आपका हो जाएगा। घर पे एक बार देख लेना, जितने लोग लेट आए हैं ऐसे बीच से मत देखो, बैक करके शुरू से देखो। चलो नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डेफिनेशन। कौन सी है बड़ी? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल किसने दिया था जानते हैं? सेविगिन्स। किसने दिया था? सेविगिन्स ने दिया था हिस्टोरिकल डेफिनेशन। कहता है लॉ एक अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है? जो पता नहीं चलता। आपके बाल जब बढ़ते हैं पता चलता है? हाइट बढ़ते पता चलती है? नेल्स बढ़ते पता चलता है? तुम बोलोगे सिर्फ एक ही चीज बढ़ती पता चलती है ना, क्या?
तुम्हारा करियर। अभी ध्यान देना पीपल, लॉ एक अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक ग्रोथ है। कौन सी ग्रोथ है बड़ी? अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। अनकॉन्शियस मतलब पता नहीं चलता, हम उसमें हम कॉन्शियस नहीं रहते उसके लिए कि मेरे नेल बढ़ गए। पता चला है कभी आज तक कि वो ये थोड़े से बढ़ गए दिख रहे हैं अभी बढ़ते हुए? ऐसा कभी होता नहीं है। तो इट्स अनकॉन्शियस। और इज मेरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या? जिसको इंजेक्शन लगा के नहीं बढ़ाया गया है, नेचुरली बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? बड़ी नेचुरली। जैसे तुम्हारी हाइट, तुम्हारे गाल, तुम्हारे बाल, तुम्हारे, मेरा मतलब कि समझ रहे हो ना? ओके, अभी ध्यान देना पीपल। सो नाउ, सो ये क्या लॉ कहता है कि लॉ इज ऑल्सो, सेविंगिंस कहता है लॉ इज ऑल्सो वॉट? अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये कहता है लॉ को बनाया नहीं जाता, लॉ मिलता है। कहता है लॉ को बनाया नहीं जाता, लॉ मिलता है। ठीक है, इट्स फाउंड नॉट मेड, इट्स फाउंड नॉट मेड, इट्स अनकॉन्शियस ऑर्गेनिक ग्रोथ। क्या लॉ यूनिवर्सल है कि नॉन यूनिवर्सल है? इट्स नॉन यूनिवर्सल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि हर जगह अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह एक प्रकार का लॉ होगा, हर जगह अलग अलग होगा। बट इट वेराय विद द लैंग्वेज, इट वेराय विद द पीपल, इट वेराय विद द एज। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, कस्टम लेजिस्लेचर के पहले है कि ऊपर भी है? तो पहले भी है और ऊपर भी है। ये कहता है कस्टम इज नॉट ओनली प्रिसीड लेजिस्लेशन, सिर्फ ये लेजिस्लेचर के पहले नहीं है बट सुपीरियर भी है। मतलब कस्टम लेजिस्लेचर के ऊपर भी है और पहले भी है। ठीक है, ओके, इजी है, वेरी गुड। लॉ हमेशा कॉन्शियसनेस को फॉलो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस को लॉ फॉलो करता है, आपकी मान्यताओं को। आपकी मान्यताओं को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जो जितनी भी आपकी मान्यताएं होती है उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। लॉ हमेशा उसको क्या करता है? बड़ी फॉलो करता है। लेजिस्लेचर एक लास्ट स्टेज है, जूरिस्ट उसके पहले आते हैं और उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। लॉयर और जूरिस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट? लेजिस्लेचर। सो ये किसने कहा था? ये सेविंगिंस ने कहा था। ये याद कराता हूं, सबसे पहले लॉ कौन सा है? ऑर्गेनिक ग्रोथ है कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। कॉन्शियस अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस। लॉ बनाते कि मिलता है? बनाते नहीं है, मिलता है। किसने कहा था? ये सेविंगिंस ने कहा था। लॉ यूनिवर्सल है? नहीं है, नहीं है। इट वेराय विद एज पीपल, है ना? अच्छा, लॉ में मेरे को बताओ, कस्टम जो है इट ओनली प्रिसीड्स और इट इज ऑल्सो सुपीरियर? Not only precede, but it is also superior to the legislature. हाँ या ना बड़ी? Okay people. अच्छा, क्या law consciousness को follow करता है? Yes. Law last, legislature last stage है कि first stage? Last stage. तो कौन ज्यादा important है? Lawyer and jurist. ये सब किसने कहा? Savigans. फिर से बोलो, किसने कहा बड़ी ये? Savigans. Once more, किसने कहा ये? कोई पूछता है सर natural school में Selmond और विंड्रोफ वाला लर्न नहीं कर? जितना मैं बोल रहा हूं उतना लर्न कर लो बाबू, मैंने बोला ना, जितना मैंने कह रहते जा रहा हूं ना मैं, उतना उतना करते जाओ। बस मैं याद करा रहा हूं आपको साथ साथ, और क्या। मेरा काम तो आसान हो जाएगा, मैं तो पढ़ के आगे निकल जाऊं समझा के, बट मैं लर्न करा रहा हूं ताकि यही आप याद कर लो। तो घर जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा बस। जल्दी से बताओ, सेविंगिंस ने क्या कहा था? लॉ क्या है? अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक ग्रोथ। लॉ फाउंड करते हैं? हाँ, मेड नहीं करते। लॉ इज फाउंड नॉट मेड। क्या लॉ यूनिवर्सल है? तो लॉ यूनिवर्सल नहीं है। इट वेराय विद द लैंग्वेज, इट वेराय विद द पीपल, इट वेराय विद द एज। राइट पीपल? कस्टम लेजिस्लेचर के पहले भी है, सुपीरियर भी है। लॉ क्या कॉन्शियसनेस को फॉलो करता है? यस। लॉ लेजिस्लेचर कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? लॉयर एंड जूरिस्ट। ये सब किसने कहा था? सेविगेंस। इजी है, याद रहेगा। चलिए, ओके पीपल, नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है। आरती कहती है सर कौन से चैप्टर का रिवीजन चल रहा है? आरती जी, ये चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, कौन सा चैप्टर? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं बेटा। आ जाओ, आज पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। आ जाओ, फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट रहता है अपने शरीर में? शरीर में नहीं होता, कहाँ होता फिर? प्लांट्स में होता है क्या? पता था मेरे को, खालो मस्ती बोल रहा था मैं। प्लांट के अंदर? अच्छा, हाँ चल शांत बैठ। अभी ध्यान देना, सोशियोलॉजिकल में था इयरिंग। कौन था बड़ी? इयरिंग। अच्छा, सोशियोलॉजिकल में इयरिंग के साथ एक और था, रॉस्को पाउंड था। क्या बताओ, रॉस्को पाउंड था कि नहीं? तो आंसर इज सोशियोलॉजिकल में एक और था, एक था इयरिंग और एक था रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड को हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम किसको पढ़ते हैं? इयरिंग को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इयरिंग को पढ़ लेते हैं अच्छे से। आ जाओ भाई, इयरिंग। व्हाट इज इयरिंग? इयरिंग, इयर रिंग, इयर रिंग, कान की बाली।
अभी कान की वाली को पढ़ते हैं। कान की वाली वाला व्यक्ति कहता है सोशियोलॉजिकल में, ये कहता है लॉ इज अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। कितना ऑफ बोला इस बंदे ने देखो लाइफ में। देखो कहता है लॉ क्या है, फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। क्या कहा बोलो, फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। एक बार फिर से बोलो, फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। कितना ऑफ ऑफ किया इसने, है एक खुद ही ऑफ हो गया बेचारा। क्या क्या बोला इसने बताओ, फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। एक बार फिर से, फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। फिर से बोलो, इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। फिर से, इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। एक तुम एग्जाम में पता है ऐसा लिख के आ रहे हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ सोसाइटी। ऐसा पूरा ऑफ ऑफ तो याद रहेगा तुम्हारे को, कहां शब्द आने तो याद रहा नहीं। ठीक है, तो याद रखो इसने क्या कहा। इसने कहा कि लॉ क्या है, अबे अच्छा समझ तो लो क्या है। ये कहता है कि सोसाइटी में जो आपकी कंडीशन ऑफ लाइफ है उसको ये गारंटी देता है। किसको गारंटी देता है, कंडीशन ऑफ लाइफ को। सो कंडीशन ऑफ लाइफ को गारंटी देता है लॉ। सो लेट्स, लॉ इज फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। किसने कहा ये, हेरिंग बाबा ने कहे, है ना, हेरिंग बाबा ने कही लॉ इज फॉर्म ऑफ, लॉ इज फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। Easy everyone. ये क्या कहता है पता है, कहता है लॉ को समझना है ना, लॉ को समझना है ना आपको, लॉ को समझना है तो कहता है पहले सोशल प्रॉब्लम को समझो आप। ये कहता है लॉ क्यों बनता है, लॉ बनता है सोशल कंट्रोल के लिए, लॉ बनता है सोशल पर्पस सर्व करने के लिए। ठीक है, ये कहता है मतलब लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। लॉ क्यों बनता है, सोशल कंट्रोल के लिए, सोशल पर्पस को सॉल्व करने के लिए। क्यों बनता है लॉ, सोशल कंट्रोल के लिए, सोशल पर्पस को सॉल्व करने के लिए। और लॉ कोअर्सिव इन नेचर है, मतलब फोर्सफुल इन नेचर है, मतलब अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे डंडे मार के फॉलो करवाएंगे, बट करवाएंगे, फोर्सफुल इन नेचर है, इट्स अ कोअर्सिव इन नेचर। सो लॉ इज फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। लॉ इज मेड ड्यू बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ इज यूज टू सर्व सोशल पर्पस। लॉ सोशल पर्पस को सर्व करता है। लॉ कोअर्सिव है। क्या है लॉ बड़ी, कोअर्सिव। फिर से बोलो क्या है बड़ी, कोअर्सिव है। इजी एवरीवन, कंफर्टेबल पीपल, चलिए वंडरफुल एवरीवन, आ जाओ। इजी है ना, याद रहेगा ना हियरिंग। ओके नेक्स्ट है, रियलिस्टिक लास्ट है। और इच्छा, अच्छा सुनो, रॉस्को पाउंड और हेंस केल्सन हम आगे पढ़ेंगे। हेंस केल्सन ने भी पॉजिटिविस्टिक में बात की थी, रॉस्को पाउंड ने बात की थी सोशियोलॉजिकल में। दोनों की बातें हम आगे करेंगे, अभी इसको रियलिस्टिक कर लेते हैं। रियलिस्टिक में होम्स भाई थे। कौन थे, होम्स। होम्स, होम्स, होम्स कहते हैं कि लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। क्या कहते हैं भाई, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। लॉ एक स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस की, वेयर पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट। क्या मतलब सर इसका, कि जहां पे पब्लिक की समस्या कोर्ट में सॉल्व की जाएगी। पब्लिक की समस्या कहां सॉल्व की जाएगी, कोर्ट में। कहता है एकदम रियलिस्टिक बात की इसने। क्या बोला कि लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। क्या बोला भाई ने, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। सिर्फ इतना याद रखना कि वेल पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट। वेयर पब्लिक फोर्स विल ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट। वेयर पब्लिक फोर्स विल ब्रॉट to bear upon through court, where public force will brought to bear upon through court. Once more, what? Where public force will brought to bear upon through court. So law is a statement of circumstances where public force will brought to bear upon through court. Where public force will brought to bear upon through court. So law is a statement of circumstances where public force will brought to bear upon through court. किसने कहा था ये, होम्स। किसने कहा था बड़ी, होम्स। ये कहता है लॉ बनते हैं हार्मोनाइजेशन के लिए, ठीक है, लॉ बनते हैं ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। तो रियलिस्टिक बात क्या, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए बनते हैं और हार्मोनाइजेशन के लिए, भाईचारा के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो पांचों स्कूल को फिर से रिवाइज करवा दूं, पांचों स्कूल मेरे साथ याद हो रहा है पक्का सभी लोगों को। मैं पांच पांच बार आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि ये ना थोड़ा सा ना जो सोर्स ऑफ लॉ है ना थोड़ा बोरिंग है, घर पे पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए यहां पे मैं अच्छे से करा देता हूं ये वाला टॉपिक आपको। तो घर पे सिर्फ एक बार पढ़ोगे ना आप लोग तो आपको याद हो जाएगा, सिर्फ एक बार,
एक बार भी दे दिया तो हो जाएगा पक्का, मेरी गारंटी। बस यहां पे ध्यान दो सारे। सबसे पहले नेशनल स्कूल में क्या कहा था रोमन और एशियन जूरिस ने, क्या कहा था? जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। क्या कहा था? जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। को समझना तो उसका पर्पस समझो। कोर्ट के पास जाएंगे लेजिस्लेचर, तो आंसर इज वन शुड गो टू कोर्ट एंड नॉट टू द लेजिस्लेचर। तीन लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी थी। अल्पाइन ने क्या था? इट्स अ आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने कहा था इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन एंड डाइजेस्ट ने कहा था इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। सबको याद हो गया ये वाला? कितनी बार, मेरे को लग रहा क्लास में मैंने 7 बार पढ़ा दिया इसको। सो ये वाले तीन को याद कर दो। अल्पाइन ने क्या कहा था? इट्स अ आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने कहा था इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन डाइजेस्ट ने कहा था इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। अच्छा मेरे को बता, जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था? जॉन ऑस्टिन, लॉ कौन बनाता है? हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर? लॉ इज व्हाट? कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ इम्पोज़ेस अ ड्यूटी व्हिच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन। इजी। हिस्टोरिकल में किसने डेफिनेशन दिया? सेविगिंस। किसने कहा था? सेविगिंस। लॉ कौन सी ग्रोथ है? अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है बड़ी? अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। लॉ बनाते कि मिलता है? लॉ इज फाउंड नॉट मेड। क्या लॉ यूनिवर्सल है? नहीं, लॉ यूनिवर्सल नहीं है। कस्टम लेजिस्लेचर के पहले की ऊपर भी है, पहले भी है, ऊपर भी है, पहले भी है, ऊपर भी है। लॉ क्या कंसाइसनेस को कंफर्म करता है? यस। अच्छा, लॉ लेजिस्लेचर फर्स्ट स्टेज है कि लास्ट स्टेज? लास्ट। तो कौन इंपॉर्टेंट है? लॉयर एंड ज्यूरिस। सोशियोलॉजिकल की किसने दिया? एहरे। लॉ इज फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। वंस मोर, व्हाट? लॉ इज फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। याद आया क्या? क्या है लॉ? लॉ इज फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लॉ को समझ। लॉ क्यों बनता है? सोशल पर्पस सॉल्व करने के लिए, सोशल कंट्रोल के लिए लॉ बनता है। लॉ कौन सा नेचर का है? कोअर्सिव। किसने कहा था ये? एहरिंग। सोशियोलॉजिकल। रियलिस्टिक में किसने डेफिनेशन दिया? होम्स। किसने दिया बड़ी? होम्स। होम्स ने दिया। होम्स ने क्या कहा कि लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट। क्या कहा? लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट। क्या कहा? लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट। अरे हाँ या ना, इसने क्या कहा? इसने मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज एक बात कही। पता है क्या कही इसने? क्या कही बताओ? कि लॉ बनता है ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए और हार्मोनाइजेशन के लिए। किसके लिए बनता है? ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए और हार्मोनाइजेशन के लिए। मुझे बताओ पांचों स्कूल, सच्ची सच्ची याद हो गए? मैं समझने की बात नहीं कर रहा, याद हुए? ऑनलाइन वालों सभी को याद हुए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सारे फटाफट। यस पीपल, याद हुए पांचों स्कूल? चलिए भाई आ जाओ। नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना। नेक्स्ट है स्वीट आर्ट, ध्यान देंगे बड़ी। नेक्स्ट है, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, लॉ तीन प्रकार के होते हैं बेटे, ठीक है? लॉ तीन प्रकार के होते हैं। जिनको थोड़ा थोड़ा हुआ है ना, हो जाएगा, एक बार और पढ़ोगे ना हो जाएगा। जो लोग लेट आए तुम बैक करके देखना बेटा, क्या है ना, है ना जी, जो लोग लेट आए ना तुम बैक करके देखना, अदरवाइज क्या होगा ना, वो याद नहीं होगा। जिनको 50% भी हुआ है तो अच्छी बात है। देखो क्लास में 50% हो गया, बाकी घर पे पढ़ोगे तो और 50% हो ही जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। जिनको 100 हो गया बात ही अच्छी है। अब ध्यान से सुनेंगे, आज मैं सिर्फ ना 12:40 तक लेक्चर लूंगा, बिकॉज मेरा थ्रोट बहुत हर्ट कर रहा है यार कल से। सो डॉक्टर ने बोला कि लो लेक्चर, 4-5 घंटे ले सकते हो, ज्यादा नहीं। सो इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता हूँ आज, अदरवाइज मेरे को अभी 20-25 दिन कंटिन्यू स्ट्रेच करना है। सो आज सिर्फ कम लूंगा, कल मेरा अगेन सेम सेशन होगा 10:30 to 1:30। और परसों से मेरा टाइमिंग आपको पता है कितने बजे होने वाला है? 11, ठीक है? मोस्टली एंड मोस्टली आई एम ट्राइंग कि परसों मैं कैसे भी करके आपका खत्म कर दूं। सेटिंग अप की अमेंडमेंट शीट बन गई है, कल मैंने बैठ के वही काम किया, तो अमेंडमेंट शीट बन गई है। जैसे ही JIHL खत्म होता है विल गो विथ व्हाट? सेटिंग अप अमेंडमेंट। सेटिंग अप के अमेंडमेंट्स करेंगे और उसके बाद सेटिंग अप का रिवीजन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है बड़ी? चलिए तो अभी कर लेते हैं ये, आ जाओ। लॉ तीन प्रकार के होते हैं, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव और परमिसिव। बोलो कौन कौन से होते हैं? मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव और परमिसिव। फिर से बोलो क्या? मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव और परमिसिव। जो लॉ कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा, इसे जिसमें एफर्मेटिव एक्ट्स है उसे कहते हैं मैंडेटरी। क्या कहते हैं उसे? मैंडेटरी। लाइक पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स करना ही पड़ेगा, तो ये मैंडेटरी लॉ है। कौन सा लॉ है? मैंडेटरी। एक होता है प्रोहिबिटिव लॉ, लाइक मर्डर।
जो अलाउ नहीं करता करने, जो नेगेटिव कंडक्ट कहते हैं कि जो अलाउड नहीं है उसे कहते हैं प्रोहिबिटिव, और एक होता है परमिसिव। परमिसिव मतलब करना है करो, नहीं करना मत करो। लाइक लव मैरिज, लव मैरिज इज व्हाट? परमिसिव। करना है करो, नहीं करना मत करो। शादी करना है करो, नहीं करना मत करो। बच्चे करो, देश की पॉपुलेशन बढ़ाओ, बिल्कुल करो बेटा, 10-10 बच्चे करो। अभी ध्यान देना पीपल, है ना जी। तो तीन प्रकार के लॉ होते हैं, कौन कौन से? मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव एंड परमिसिव। विच इज ऑब्लिगेशन? मैंडेटरी। विच इज नॉट अलाउड? प्रोहिबिटिव। विच इज योर विल? परमिसिव। इजी है, कुछ नहीं है, फालतू नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट है, लॉ कैसे इफेक्टिव बनाए जाते हैं? हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव? लॉ सरकार जब बनाती है तो उसके साथ क्या पनिशमेंट लाती है? यस। लॉ क्यों बनते हैं? डिसोबीडियंस को प्रिवेंट करने के लिए। डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है? क्यों आप फॉलो नहीं करते हो, उसे डिसोबीडियंस कहते हैं। तो लॉ फॉलो हो इसके लिए ऑब्वियसली सरकार कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट रखती है, फाइन लगाती है, जेल होती है। अरे हाँ या ना? अरे यस सर नो पीपल? चलिए ओके। सब पे ऑब्लिगेशन लगाते हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनकी वाट लगती है फिर, ठीक है। सो रिक्वायर करते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट योर ऑब्लिगेशन, ठीक है, यस और नो। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भी आप पे ऑब्लिगेशन डालते हैं कि करो उसको फॉलो। और अगर से किसी को इंजुरी हुई तो क्या लगाते हैं आप पे? डैमेजेस। क्या लगाते हैं आप में? डैमेजेस। तो देखो लॉ कैसे इफेक्टिव बनते हैं। लॉ इफेक्टिव बनते हैं कुछ पनिशमेंट लगा के, हम डिसोबीडियंस को प्रिवेंट करते हैं, बोलते हैं ऑब्लिगेशन कंप्लीट करो, और डैमेजेस बोलते हैं दो अगर किसी को क्या हुई है, इंजरी। सो चार चीजों से लॉ इफेक्टिव बनता है। क्या लगाते हैं सबसे पहले आप पे बताओ? कुछ पनिशमेंट, है ना, आपकी डिसोबीडियंस को प्रिवेंट करने के लॉ बनते हैं। आपको बोलते हैं आपकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करो, अगर से किसी को इंजरी हुई है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या दो? डैमेजेस। तो लॉ कैसे इफेक्टिव बनते हैं? बाय इंपोजिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, बाय प्रिवेंटिंग व्हाट? डिसोबीडियंस। वी मेक अ लॉ, वी इंसिस्ट टू कंप्लीट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, इंसिस्ट करते हैं कि भाई अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करो, और इफ इंजरी हुई है किसी को आपके डिसोबीडियंस से तो उसको क्या देना पड़ता है आपको? डैमेजेस। क्या देना पड़ता है स्वीट आर्ट? डैमेज। बोलो हाँ या ना? अरे यस सर नो। प्रियांशी कहती है सर अगर इसका डिफरेंस पूछा एग्जाम में क्या लिखेंगे, लाइक देर आर हार्डली 1 point गिवन। किसका डिफरेंस? इनका नहीं पूछेगा। ये कितने प्रकार के लॉ होते हैं? मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव, परमिसिव, ये नहीं आता, चिंता मत कर। चलिए इजी है, आसान है बड़ी, यस और नो? चलिए ओके बड़ी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस? इंपॉर्टेंट। लॉ हमारे देश में स्टैटिक है कि डायनामिक? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर। व्हाट डू यू मीन स्थिर? व्हाट डू यू मीन बाय स्थिर? जो चेंज नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? जो चेंज नहीं होता है वैसा का वैसा ही, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक। और जो चेंजेस होते हैं वो कौन है? हाँ, लाइक गर्लफ्रेंड कौन होती है? डायनामिक। चेंज होती है ना? अरे हाँ या ना? क्यों श्रवण की स्टैटिक है? देख ले भाई, सुन रही है वो, तो सोच समझ के बोल। स्टैटिक की डायनामिक? स्टैटिक कहता है। वेरी गुड, दैट्स गुड आंसर। ठीक है, अभी ध्यान देना अभी बस ना, ध्यान देंगे बड़ी। सो लॉ जो है कैसा होता है बोलो? डायनामिक। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? चेंज होता रहता है सोसाइटी में, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, लॉ चेंजेस, ठीक है, लॉ में चेंजेस आते रहते हैं, लॉ बदलता रहता है, ठीक है, अब चलता रहेगा ये तो यार। लॉ इज ऑलवेज नॉट स्टैटिक, इट्स ऑलवेज डायनामिक, है ना, ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आएंगे। लॉ क्या सिक्योरिटी है फ्यूचर के लिए कि नहीं है? लॉ क्या सिक्योरिटी है फ्यूचर के लिए? हाँ या ना? यस, लॉ इज सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। सो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ में दो पॉइंट याद रखना, अंदर अपने मन से लिख देना कि लॉ इज नॉट स्टैटिक, और दूसरा इट इज अ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। दो चीज याद रखना कि लॉ इज नॉट स्टैटिक एंड इट इज अ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। अंदर अपने मन से लॉ की बातें कर देना आप, अगर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ लिखने तो, विच आई डोंट बिलीव कि आएगा, ठीक है। सो लॉ इज नॉट स्टैटिक एंड लॉ इज सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। ओके, कितने सोर्सेज ऑफ लॉ है हमारे देश में, आ जाओ देखते हैं। पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट थ्रू कोर्ट, नहीं समझा सर? श्रुति आपके साथ गलत होगा तो आप कोर्ट जाओगे, उसका यही मतलब है बस, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना, कितने सोर्स ऑफ लॉ है? तो दो सोर्स ऑफ लॉ है, एक है प्रिंसिपल, एक कौन सा है? सेकेंडरी। एक कौन सा है बड़ी? प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा क्या है? सेकेंडरी। पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है कस्टम। क्या आता है बड़ी? कस्टम। कस्टम मतलब रीति रिवाज। कस्टम मतलब क्या होता है? फिर से लो, कस्टम मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। हाँ या ना? आपके घर पे भी कस्टम है कि नहीं है?
अरे है ना कस्टम, अलग अलग कस्टम होते हैं ना अपने घर, सबके घर में रीति रिवाज अलग अलग प्रकार के, 36 कल्चर 3660 रीति रिवाज, यस और नो? अरे हाँ है नहीं? महाराष्ट्रियंस में भी अलग होता है कल्चर, गुजराती में अलग होता है, पंजाबी में अलग होता है, महाराष्ट्रियंस में अलग अलग प्रकार के कल्चर है, पंजाबी में अलग प्रकार के कल्चर है, गुजराती, मारवाड़ी, मुस्लिम्स है ना, क्रिश्चियंस, सिख, सब में क्या है अलग अलग कल्चर। क्या सब अपने कल्चर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं? यस, कंसाइसनेस और कस्टम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट क्या लॉ कस्टम से आता है? दिस इज द क्वेश्चन। क्या लॉ कस्टम से बनता है? क्या लॉ कस्टम से बनता है? अरे हाँ या ना? हिंदू लॉ में एक शादी अलाउ की, कैसे की? कस्टम से, कस्टम से हुआ ना। राम जी ने एक शादी की थी तो वहां से सबने क्या बोला कि हम भी एक शादी करेंगे, ठीक है, वह उसको अपना लिया। तो आज कितनी शादी होती है हिंदूज में? एक। डिवोर्स लेने के बाद दूसरी पॉसिबल है, बट एक साथ दो पॉसिबल है क्या? एक साथ दो शादी करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये हिंदू लॉ में लिखा है। कहां लिखा है बड़ी? हिंदू लॉ। कहां से आया ये? कल्चर से, कल्चर से आया ना। हमने राम जी को अपना क्या माना? आदर्श, उनको हमने फॉलो किया। मोमेडियंस में शुरू से तीन शादी चलती थी, उनमें भी अगर कोई आया होता ऐसा जिनको वो आइडल मान के अगर उन्होंने एक शादी की होती तो हो सकता है मोमेडियन में भी एक शादी होती, बट अभी कितनी होती है? तीन, तीन या चार, आई थिंक चार की तीन, चार, चार कह रहे हैं। और लड़की भी चार कर सकती है कि सिर्फ लड़के? सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं चार शादी, और लेडीज को एक ही अलाउड है। सो देखो ऐसे लॉ है सबके, क्या है अलग अलग कस्टम, और कस्टम से क्या बन जाते हैं? लॉ। कस्टम से क्या बन जाते हैं? बड़ी लॉ। कस्टम से लॉ बन जाते हैं। सबके घर अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अपने कस्टम होते हैं, ठीक है, अलग अलग होता है, नहीं होता? अच्छा, कस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक कस्टम विदाउट सेंक्शन, मतलब ऐसे कस्टम जिसको लॉ नहीं मानता, जो नॉन ऑब्लिगेटरी है, लाइक गुरुवार को नाखून काटो, ये हमारे घर का रीति रिवाज है कि मम्मा मना करती है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार बेटा बाल और नाखून काटने का नहीं, बाल और नाखून काटने का नहीं। क्या इस पे लॉ बना है? ये कस्टम विदाउट सेंक्शन है। क्या बड़ी? कस्टम विदाउट सेंक्शन। अरे बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे यस और नो? अपने यहाँ का कस्टम है कि घर दुल्हन जब पहली बार घर आती है तो लोटे पे लात मारती है ना? अच्छा सॉरी, कलश होता है वो, है ना, तो मारती है ना लात जिसमें चावल होता है। अरे यस और नो? लात मारती है ना, है, फुटबॉल खेलती है जो लोटे से। तो अभी ध्यान देना पीपल, अभी मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है घर का? क्या है? कस्टम। लेकिन क्या लॉ मानता है इसको? क्या लॉ में लिखा हुआ है कि लड़की जब घर आएगी चावल भर के लोटा रखेंगे, उस हाँ उस पर नहीं मारा, लात ढंग से नहीं पड़ी तो पेनल्टी होगी, अगर से लोटा ससुर को लग गया तो इतने, तो क्या लॉ बना है इसमें? इसमें कोई लॉ नहीं बना। ये क्या? कस्टम विदाउट सेंक्शन, दिस इज नॉन ऑब्लिगेटरी, पॉजिटिव मोरालिटी। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। किसी के पैर पड़ना, अपने घर वाले क्या सिखाते हैं? कोई बड़ा है तो पैर पड़ो। पहले लोग झुक के पैर पड़ते थे, फिर ऐसा पड़ते थे, आजकल तो कहां टच करते आजकल नीचे झुकता ही नहीं है आशीर्वाद चाचा जी, चाचा जी भी जोरदार समझ जाते हैं, चाचा जी भी बोले वाह। अच्छा क्या बोल रही बेटा? मैत्री, हाँ, अभी ध्यान देना अभी पर। सो नेक्स्ट है कस्टम विदाउट सेंक्शन, जिसको लॉ मानता है कि नहीं मानता? नहीं मानता। अच्छा, ऐसे कस्टम जिसको लॉ मानता है उसे कहते हैं कस्टम हैविंग सेंक्शन। ऐसे कस्टम जिसको लॉ मानता है उसे क्या कहते हैं? कस्टम हैविंग सेंक्शन। जैसे कोई टैक्स, टैक्स क्या है? कस्टम। अरे टैक्स कस्टम से आया ना, टैक्स कहां से आया? कस्टम से आया। पुराने जमाने में राजा भी जनता से कर लेता था टैक्स। अरे आया ना, तो वहां से आया ना, वो कस्टम था, वहां से लॉ बन गया। सो इसे कहते हैं कस्टम हैविंग सेंक्शन। द वन विच इज नॉन ऑब्लिगेटरी, विच इज ओनली अ पब्लिक मोरालिटी, इज नॉट हैव कस्टम विदाउट सेंक्शन, एंड विच इज ऑब्लिगेटरी, विच ऑन विच लॉ हैज बीन मेड, इज कस्टम हैविंग सेंक्शन। अब कस्टम हैविंग सेंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है कन्वेंशनल। एक कौन सा होता है बड़ी? लीगल। एक कौन सा होता है? कन्वेंशनल। ऐसे कस्टम जिसमें लॉ बना है उसे कहते हैं लीगल, और ऐसे कस्टम जो अग्रीमेंट से फॉलो किए जाते हैं उसे कहते हैं कन्वेंशनल। फिर सोलो, ऐसे कस्टम जिसमें लॉ बना है उसे क्या कहते हैं? लीगल, और ऐसे कस्टम जो अग्रीमेंट से फॉलो किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल। इजी एवरीवन? अब लीगल कस्टम दो प्रकार के होते हैं, लोकल एंड जनरल। जो किसी एक एरिया में लगता है उसे क्या कहते हैं? लोकल। और जो थ्रू आउट द कंट्री लगता है उसे कहते हैं जनरल। जो एक एरिया में लगता है उसे कहते हैं लोकल, और जो थ्रू आउट द कंट्री लगता है उसे कहते हैं जनरल। लोकल दो प्रकार के हो सकते हैं,
जोग्राफिकल एंड पर्सनल, कौन से हो सकते हैं? जोग्राफिकल एंड पर्सनल, कि एरिया को लगता हो तो जोग्राफिकल, कुछ व्यक्तियों को लगता हो तो पर्सनल, समझो बात को। ऐसे कस्टम जिसको लॉ नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कस्टम विदाउट सेंशन। ऐसे कस्टम जिसको लॉ मानता है उसे कहते हैं कस्टम हैविंग सेंशन। कस्टम हैविंग सेंशन दो प्रकार के हैं, लीगल एंड कन्वेंशनल। जिस पर लॉ बनाए वो लीगल, जो अग्रीमेंट से फॉलो हो रहे हैं वो कन्वेंशनल। जिस पे लॉ बनाए, लीगल कस्टम दो प्रकार के होते हैं, लोकल और जनरल। जो एक एरिया को लगते हैं वो लोकल, और जो थ्रू आउट द कंट्री लगते हैं वो जनरल। जो एक एरिया को लगते हैं उसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल एंड पर्सनल, है ना। जो सिर्फ सिटी वाइज हो ज्योग्राफिकल, एरिया वाइज हो ज्योग्राफिकल, एंड पर्सन वाइज होगी, लड़के को ये लगेगा लड़की को ये, वो कौन से हो जाएंगे? पर्सनल। सो कस्टम कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताओ? दो, कस्टम विदाउट सेंशन, कस्टम हैविंग सेंशन, विच आर नॉन ऑब्लिगेटरी without sanction, which are obligatory having sanction, which are enforced by law is having sanction, and there are two types, legal and conventional, on which law has been made is legal and which is followed by agreement is conventional. Legal custom are of two types, local and general, which is applicable to some area or person is local, and which is applicable throughout the country is general. Local custom mein do aate hain, geographical and personal. Area hai to geographical, vyakti ko lagta ho to personal. Easy, पक्का याद रहेगा आपको? आया, कस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो बताओ? विदाउट सेंशन, विद सेंशन। विदाउट सेंशन मींस व्हिच इज नॉन ऑब्लिगेटरी, है ना, जिस पे लॉ नहीं लगता, ठीक है, व्हिच इज पब्लिक मोरालिटी, एंड जिस पे लॉ लगता है वो कस्टम हैविंग सेंशन। कितने प्रकार के होते हैं? दो, कौन कौन से? लीगल, कन्वेंशनल। जिस पे लॉ बनाओ लीगल, अग्रीमेंट से फॉलो होते हैं कन्वेंशनल। लीगल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लोकल एंड जनरल। लोकल मतलब जो एक पर्टिकुलर लोकैलिटी व्यक्तियों को लगता है, और जनरल मींस थ्रूआउट द कंट्री लगते हैं। यस और नो? वंडरफुल। नेक्स्ट है कस्टम, ये याद रख लेना चीज कि कस्टम दो प्रकार के होते हैं, विद सेंशन, विदाउट सेंशन। विद सेंशन में तो लीगल कन्वेंशनल, लीगल में लोकल एंड जनरल। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो पीपल, इजी बड़ी। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है कस्टम के रिक्विजिट्स क्या है, ये पूछा था पांच नंबर के लिए लास्ट टाइम। कस्टम के रिक्विजिट्स क्या है पांच नंबर के लिए आया था, वैलिड कस्टम कौन से है, ये पांच नंबर के लिए आया था, आ जाओ उसको याद करते हैं। सबसे पहला एंटीक्विटी, सबसे पहला कौन सा है? एंटीक्विटी। विस्की आती है, विस्की आती है ना, ब्लू कलर की बॉटल, शानदार, सोमिल सर की फेवरेट है वो, ब्लू कलर की, हाँ टट्टू, ये सभी ध्यान देना। इममेमोरियल कस्टम, एंटीक्विटी मतलब क्या होता है? इममेमोरियल कस्टम ऐसा होना चाहिए जो इममेमोरियल, व्हाट डू मीन इममेमोरियल, एशियंट, पुराने जमाने से चला रहा है। कहां से चला रहा है बड़ी? पुराने जमाने से, ऋषि मुनियों के जमाने से चला आ रहा है। हमारे कस्टम वो है जो कब से चले आ रहे हैं? ऋषि मुनियों के जमाने से चले आ रहे हैं, हम वो फॉलो करते हैं। यस और नो, सही बात है गलत बात है? अरे सही है ना, हम फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं? कितनी सारी चीजें हैं जो अपने अपने हम मानते हैं ना, सीधी सी बातें मानते हैं यार। अच्छा, सर्टेनिटी, कस्टम में क्या होनी चाहिए? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्लियर होना चाहिए, वेग एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए वेग एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। कस्टम में कोई रीजन, कस्टम को फॉलो करने का कोई रीजन होना चाहिए, यस yes. कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए? रीजन। अरे हर कस्टम क्यों बनता है? कोई ना कोई रीजन से, कुछ ना कुछ हर चीज का क्या होता है? बड़ी रीजन। सो रीजन से बनते हैं कस्टम्स। नेक्स्ट है कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। व्हाट डू यू मीन कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस? कि कस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको कंपल्सरी फॉलो किया जा रहा है। Interrupted. What do you mean by interrupted? ऐसा नहीं कि पहले follow किया जाता था, फिर नहीं, फिर किया जाता था, फिर नहीं, लगातार follow किया जा रहा है। Compulsory observance है सालों से। फिर conformity with law and public morality. Custom ऐसा होना चाहिए जो law और public morality को follow करता हो। अब आपका custom है कि आप हर रोज एक murder करते हो, आपके परिवार का एक custom है, सदियों से चला आ रहा है, कि ये custom रखेंगे valid होगा? Custom ऐसा होना चाहिए जो law और morality को follow करता हो। Custom में unanimity of opinion होना चाहिए। What do you mean by unanimity of opinion? सब लोग एक उसको मानेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ मान रहे कुछ नहीं, सब लोग को उसे क्या करना है? मानना है। फिर पीसेबल एंजॉयमेंट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन पीसेबल एंजॉयमेंट? शांतिपूर्वक आप उसको क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कस्टम होना चाहिए, लाइक शादी, शादी के पहले हल्दी, ये सब क्या है? पीसेबल एंजॉयमेंट है ना, शादी की रात को हल्दी वाला दूध कि बिना हल्दी वाला दूध, बादाम वाला दूध, क्या मेरे को पता, अब्बर सर को पता होगा ना, मुझे पता नहीं है। चलिए भी ध्यान देना, ये सब पीसेबल एंजॉयमेंट वाले कस्टम है, बहुत ही पीसेबल एंजॉयमेंट वाले कस्टम है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। व्हाट मीन कंसिस्टेंसी? कस्टम ऐसा होना चाहिए कि दो कस्टम के बीच में लड़ाई ना हो, सारे कस्टम एक दूसरे से क्या हो? कंसिस्टेंट। ये सब है कस्टम के क्या रिक्विजिट्स। व्हाट मीन रिक्विजिट्स?
रिक्विजिट्स मतलब ये कस्टम तभी वैलिड होंगे जब ये सब उसमें होगा. अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है तो वो कस्टम वैलिड नहीं होगा. सो यस यू कैन से रिक्वायरमेंट. सो यस जल्दी से एक बार देख लो कितने रिक्विजिट्स है कस्टम के, जल्दी से याद करना. सबसे पहला कौन सा है? एंटीक्विटी. व्हाट इज माय एंटीक्विटी? सर रिक्विजिट्स पॉइंट पॉइंट लिखे तो चलेगा, पॉइंट पॉइंट लिखना है, बाकी का अंदर अपने मन से लिख सकते हैं. चलिए आ जाओ. सिद्धांत लिखता है शादी की रात में दिया तेरे हाथ में, वो दिए की बात कर रहा है. दिया दिया दीपक तुम. हाँ चलिए आ जाओ, ध्यान देना बड़ी. सो वैलिड कस्टम कितने ध्यान देंगे बड़ी, जल्दी से बताओ. चलो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है? एंटीक्विटी. व्हाट डू यू मीन बाय एंटीक्विटी? व्हाट डू यू मीन बाय एंटीक्विटी? हाँ ये क्या होना चाहिए? एकदम एंशियंट, एकदम पुराने जमाने का होना चाहिए तभी कस्टम वैलिड है. सर्टेन होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन सर्टेन? सर्टेन मतलब अनक्लियर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए. कस्टम का रीजनेबलनेस होना चाहिए. व्हाट इज रीजनेबलनेस? कोई रीजन होना चाहिए जिसके कारण कस्टम फॉलो हो रहा है. कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, मतलब इनइंटरप्टेडली फॉलो हो रहा है कंटिन्यूअसली. कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. लॉ और पब्लिक मोरालिटी को कस्टम को क्या करना है? फॉलो. यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए. व्हाट इज मीन दैट? सबका एक ओपिनियन, सबके अलग अलग ओपिनियन कस्टम से रिलेटेड नहीं होने चाहिए. कस्टम का पीसेबल एंजॉयमेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. सो ये सब क्या है? कस्टम के रिक्विजिट्स. जल्दी से याद करके. तो सबसे पहला एंटीक्विटी, सर्टेनिटी, रीजनेबलनेस, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, कंफर्मिटी विद लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन, पीसेबल एंजॉयमेंट एंड कंसिस्टेंसी. इसको हमने कैसे याद किया था? आरआईपी पूरी. हाँ पूरी सी फोर. यस पूरी सी फोर था. तो व्हाट इज पूरी सी फोर? पीसेबल एंजॉयमेंट, यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन, ठीक है, आर फॉर रीजनेबलनेस, आई फॉर इमेमोरियल और सी फोर. चार सी थे. पूरी सी फोर. यस पूरी सी फोर. सो कस्टम के रिक्विजिट्स कितने हैं? कैसे याद रखना है? पूरी सी फोर. पी फॉर peaceable enjoyment, U for unanimity of opinion, R for reasonableness, I for immemorial, बाकी के चार C. कितने C हैं? चार, ठीक है. एक क्या है? certainty. दूसरा क्या है? compulsory observance. तीसरा conformity with law और consistency. चार C हैं. कौन कौन से? certainty, compulsory observance, conformity with law and public morality और consistency. तो क्या बनता है ये? पूरी C4. easy. okay बड़ी. next है, आ जाओ यार. कस्टम विल बी वैलिड एट लॉ एंड विल बी बाइंडिंग फोर्स इफ इट फुलफिल सर्टेन असेंशियल्स. इसमें क्या लिखना है? पूरा कस्टम के बारे में लिखना है बड़ी. इसमें कस्टम के बारे में सारी चीजें लिखना है और मेन इसमें कस्टम के रिक्विजिट्स लिखने हैं. केशव चलो आ जाओ. नाउ ध्यान देना पीपल. नेक्स्ट है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. चलो आ जाओ जल्दी से. व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? कौन बताएगा क्या होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? मतलब व्हाट डू मीन बाय प्रेसिडेंट्स? प्रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रेसिडेंट्स? बताओ कौन बताएगा? हाँ जी इट्स अ डिसाइडिंग पैटर्न. इट्स व्हाट बडी? इट्स अ डिसाइडिंग पैटर्न. ठीक है ना जी कि इट्स अ डिसाइडिंग पैटर्न. प्रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है ना बडी? प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है ना बडी कि इफ अ सिमिलर केस, आइडेंटिकल केस अराइज इन अ फ्यूचर, है ना, सो सेम सेम जजमेंट विल बी गिवन. राइट बडी? सो इसमें हम क्या लिखते हैं कि कोर्ट का डिसीजन प्रेसिडेंट बन जाता है. कोर्ट डिसीजन विल बिकम प्रेसिडेंट. कोर्ट डिसीजन विल बिकम प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर प्रॉब्लम अराइज इन अ फ्यूचर. व्हेन सिमिलर प्रॉब्लम अराइज इन फ्यूचर. व्हाट डू यू मीन प्रेसिडेंट? एक रूल बन जाते हैं. प्रेसिडेंट इज व्हाट? रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. फिर से बोलो, प्रेसिडेंट इज अ रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. वंस मोर, प्रेसिडेंट इज व्हाट? रूल. प्रेसिडेंट इज व्हाट? रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बात बताओ, आज क्लास में हुआ क्या कि गौरव जो है क्लास में बैठ के अश्लील हरकतें कर रहा था. क्या कर रहा था बड़ी? अश्लील हरकतें कर रहा था. तो मैंने इसको क्लास से दो चाटे मार के निकाला. कितने चाटे बड़ी? दो. अब हुआ क्या क्लास में, दूसरे दिन पप्पू सेम अश्लील हरकतें कर रहा है. तो क्या करना चाहिए? दो चाटे मार के निकालना चाहिए. इट इज नोन एज प्रेसिडेंट. जब पहली बार आपने किया तो वो क्या बन गया? रूल बन गया कि आज से कोई भी अगर गौरव की जैसी अश्लील हरकतें करेगा तो उसको दो चाटे मार के क्लास से बाहर निकाला जाएगा. इट इज अ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज अ रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. व्हाट प्रेसिडेंट इज? व्हाट? इट्स अ रूल
फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. सो कोर्ट डिसीजन बिकम्स द प्रेसिडेंट. बोलो कोर्ट डिसीजन बिकम्स द प्रेसिडेंट फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम विथ आइडेंटिकल केसेस इन द फ्यूचर. ऐसे बोलो फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन आइडेंटिकल केसेस इन द फ्यूचर. हाँ या ना? जब भी आइडेंटिकल केस आएगा फ्यूचर में तो उसकी प्रॉब्लम को डिसाइड करने के लिए जो रूल है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट. सो इट्स अ रूल फॉर डिसाइडिंग आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. इजी एवरीवन? समझ में आया सभी को प्रेसिडेंट क्या है? यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना. क्या ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है? अब सर ये सोर्स ऑफ लॉ कैसे है? जज ने जजमेंट दिया कि नेशनल एंथम में खड़े नहीं होगा तो 10,000 रुपए का फाइन है. तो ये क्या बन गया? लॉ. क्या बन गया? ये लॉ कि अब आज के बाद कोई भी अगर नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होगा कितने का फाइन होगा? 1,000 रुपए. यस और नो? ये क्या बन गया? रूल बन गया ना. सो क्या कोर्ट के डिसीजन रूल बन सकते हैं? यस. इसलिए इट्स अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ. इट्स व्हाट बड़ी? सेकेंडरी सोर्स ऑफ. सेकेंडरी कहता मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है सेकंड नंबर पे. सो इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ ओनली. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ है सेकंड नंबर का जुडिशियल डिसीजन. इसे प्रेसिडेंट कहते हैं. जुडिशियल डिसीजन क्या कहते हैं इसे? बड़ी प्रेसिडेंट. फिर सोलो क्या कहते हैं इसे? प्रेसिडेंट. सो इट्स अ रूल. इट्स व्हाट बड़ी? रूल फॉर डिसाइडिंग आइडेंटिकल केसेस इन अ फ्यूचर. इजी बड़ी? अच्छा अब इसमें मेरे को बताओ, मेरे को बताना, एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या उसके अंदर जितने भी कोर्ट हैं, उसके अंदर जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, उसके ज्यूरिसडिक्शन में क्या सब पे बाइंडिंग होगा? हाई कोर्ट का डिसीजन उसके अंदर के जितने कोर्ट ट्रिब्यूनल हैं क्या सब पे बाइंडिंग होगा? यस. आंसर इज यस. एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होगा? नो. इट्स ओनली पर्सुएसिव. व्हाट इज पर्सुएसिव? मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. नॉन ऑब्लिगेटरी. सो मेरे को बताओ, हाई कोर्ट डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऑल ट्रिब्यूनल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जितने ट्रिब्यूनल हैं, सब पे हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा. बट एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के लिए कैसा होगा? पर्सुएसिव. व्हाट इज पर्सुएसिव? मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. हाँ या ना? अच्छा मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, अगर से दो, अच्छा हाई कोर्ट के अलग अलग बेंच होती है, पता है आपको, जहां पे एक जज है उसे कहते हैं सिंगल बेंच, दो जज है तो डिवीजन बेंच, तीन या उससे ज्यादा है तो फुल बेंच. एक है तो सिंगल बेंच, दो है तो डिवीजन बेंच, तीन या उससे ज्यादा है तो फुल बेंच. फिर चलो हाई कोर्ट में एक जज है तो सिंगल बेंच, दो है तो डिवीजन बेंच, तीन या उससे ज्यादा है तो फुल बेंच. फुल, दो फुल बेंच ने डिसीजन दी, सेम हाई कोर्ट, सेम हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट, दो फुल बेंच ने डिसीजन दी, दोनों का डिसीजन कॉन्ट्रडिक्टरी. कौन सा माने? जो लास्ट में आया, जो लास्ट में आया. इफ टू इक्वल बेंच गिव अ डिसीजन देन लेटर डिसीजन विल बी फॉलोड. फिर से बोलो क्या? इफ टू को इक्वल बेंच गिव अ डिसीजन देन लेटर डिसीजन विल बी फॉलोड. जो बाद में डिसीजन आया उसको बाइंडिंग होगा. समझ में आ रहा है? एक हाई कोर्ट का डिसीजन किस पे बाइंडिंग है? उसके अंडर जितने कोर्ट हैं, उसके अंडर जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन उस पर बाइंडिंग है. समझ आया? जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जितने कोर्ट ट्रिब्यूनल आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन उस पर बाइंडिंग है. इजी? बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या दूसरे हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा? नहीं. वो कैसा होगा? पर्सुएसिव. मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. अच्छा दो सेम हाई कोर्ट की को इक्वल बेंच, वही मैं को इक्वल बेंच, सेम बेंच ने डिसीजन दिया है तो कौन सा मानेंगे? जो लेटर आया, जो लेटर आया. इजी एवरीवन? सिंपल है. चलो एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट में जज है तो उसे क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट बेंच या स्मॉल बेंच, दो है तो डिवीजन बेंच, तीन या उससे ज्यादा है तो फुल बेंच. इजी बड़ी? पक्का बड़ी? चलिए वंडरफुल. अच्छा सुप्रीम कोर्ट कौन है? इट्स अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ. सुप्रीम कोर्ट क्या है बड़ी? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ. क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब पे बाइंडिंग होगा? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सब पे बाइंडिंग होगा, वो तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है ना, उसका डिसीजन तो क्या होगा बड़ी? सब पे बाइंडिंग होगा. बोलो हाँ या ना? आर्टिकल 141 संविधान का कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सारे हाई कोर्ट, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सारे ट्रिब्यूनल्स पे बाइंडिंग होगा. किस किस पे बाइंडिंग होगा? सारे हाई कोर्ट, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और सारे ट्रिब्यूनल्स पे भी बाइंडिंग होगा. किसका डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट. यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाएंगे जो आज तक पूछी नहीं गई है, तो आपके एग्जाम में उछल रही आने के लिए काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. क्या उछल रही आने के लिए आपके एग्जाम में? काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. सो ये उतावली हो रही है कि कब कब मैं एग्जाम में आऊं. सो बस आप ही को चुना इसने, ठीक है, तुम्हारे सुंदर सुंदर हाथों से तुम इसको लिखोगे,
और बेड़ा पार होगा इसका। चलिए भाई आ जाओ देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या, इट्स अ प्रेसिडेंट इज अ रूल फॉर व्हाट, डिसाइडिंग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिकल केसेस इन द फ्यूचर। प्रेसिडेंट इज व्हाट, रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिकल केसेस इन द फ्यूचर। इजी है विवान, अरे हाँ या ना। चलिए अब दो प्रकार की प्रेसिडेंट होती है, डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल। बोलो कौन सी होती है, डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट मींस एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। फिर से बोलो क्या, एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। आवाज नहीं आई, एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। फिर से बोलो, एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। मेरे को बताओ पहले से कोई लॉ है, जज साहब ने सिर्फ उसको एप्लीकेबल किया तो वो कौन सा है, डिक्लेरेटरी। कौन सा बड़ी, सिर्फ बता दिया कि ये लॉ है तो वो क्या है, ऑलरेडी कोई लॉ है उसको एप्लीकेबल किया तो डिक्लेरेटरी। अच्छा, विच क्रिएट अ न्यू रूल ऑफ लॉ उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। विच क्रिएट न्यू रूल ऑफ लॉ उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिनल। विच वेयर यू ओनली अप्लाई एग्जिस्टिंग लॉ इज वॉट, डिक्लेरेटरी। वेयर यू क्रिएट अ न्यू लॉ इज ओरिजिनल। वंस मोर, वेयर यू अप्लाई द एग्जिस्टिंग लॉ इज डिक्लेरेटरी। वेयर यू क्रिएट अ न्यू लॉ इज ओरिजिनल। वेयर यू अप्लाई द एग्जिस्टिंग लॉ इज डिक्लेरेटरी। वेयर यू क्रिएट अ न्यू लॉ इज ओरिजिनल। अब आप लोग बताना, जज साहब ने सिर्फ बोल दिया कि ये लॉ है, ये केस में ये लॉ लगेगा, इसके हिसाब से 5 साल की जेल है, ये कौन सी प्रेसिडेंट है, डिक्लेरेटरी। कौन सी है ये, डिक्लेरेट। अच्छा, एक बिटकॉइन से रिलेटेड फ्रॉड आया, आज तक इस पे कोई सजा थी नहीं, जज साहब ने बोला जो भी बिटकॉइन में फ्रॉड करेगा उसको 5 साल की जेल है, ये क्या है, ओरिजिनल। विच क्रिएट अ न्यू लॉ इज ओरिजिनल। आप बताओ एडवांस कंट्री में ज्यादा क्या होती है, डिक्लेरेटरी, क्योंकि वहां पे चीजें ज्यादा बदलती नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में ओरिजिनल, क्योंकि वहां पे नई नई चीजें बहुत ज्यादा आती है। इंडिया में कौन से ज्यादा है, ओरिजिनल, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो चीजें जितनी बदल रही है उतने ज्यादा लॉज बदल रहे हैं, नए नए लॉ आ रहे हैं, हाँ या ना। सो इंडिया में ओरिजिनल ज्यादा, अमेरिका में डिक्लेरेटरी ज्यादा है। दे ओनली अप्लाई द एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ, वी क्रिएट अ न्यू रूल ऑफ लॉ, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है पर्सुएसिव प्रेसिडेंट। व्हाट डू यू मीन पर्सुएसिव, वेयर जज इज नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो। व्हाट डू यू मीन जज इज नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो, इट्स नॉट कंपल्शन टू फॉलो, इट्स योर विल। फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। एक हाईकोर्ट का डिसीजन दूसरे हाईकोर्ट के लिए क्या होता है, पर्सुएसिव। एक हाईकोर्ट का डिसीजन दूसरे हाईकोर्ट के लिए कैसा होता है, पर्सुएसिव। व्हाट डू यू मीन पर्सुएसिव, which is not obligatory to follow, it's your will, it's your will, you want to follow you can, if you don't want to follow it's your will, simply. इसे क्या कौन सा कहते हैं बेटा, persuasive। क्या कहते हैं sweethearts, persuasive। easy everyone, चलो wonderful people। next है absolutely authoritative। next कैसा कौन सा बेटा, absolutely authoritative। what do you mean absolutely authoritative, absolutely authoritative means which judges must follow whether they approve it or not। फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, पापा का डिसीजन, फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। पापा ने बोला यहां चलना ही है, चाहे फिर मेरी मर्जी हो चाहे ना हो, जबरदस्ती मेरे को ले जाएंगे। फैमिली फंक्शन में गए हो कभी ऐसे जबरदस्ती, पता है देखे बोर होते रहते अपन बैठ के खाली पॉकेट देखते बैठो दूसरों को, हुआ कभी ऐसा, हाँ क्या बोलते हैं, देखो ड्राइवर बना के लेके जाते हैं, अच्छा गाड़ी चलाने को बोलते हैं ऐसा, बोलो ड्राइवर बना के लेके जाते हैं ऐसा कैसे। ओके चलिए ठीक है, ओके नाउ ध्यान देना पीपल, अभी ध्यान देंगे बड़ी, अभी ध्यान से सुनना। विच इज कंपल्शन टू फॉलो, इट्स व्हाट, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, है ना जी, ठीक है, बात समझना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो बाकी के हाई कोर्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जितने सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, सबके लिए क्या है वो, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। व्हाट मीन एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, मानना ही पड़ेगा। चॉइस विच इज कंपल्शन टू फॉलो, इफ यू इवन डिसअग्री तो भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आप डिसअग्री करते हो तो भी मानना पड़ेगा, इट्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी। इंडिया में एक ही कोर्ट है जिसका डिसीजन सब पे बाइंडिंग है, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट का डिसीजन उसके जितने उसके जुरिसडिक्शन में जो कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल है, उस पे एब्सोल्युटली अथॉरिटी है, यस और नो, है या ना। अच्छा मेरी बातें आपके लिए पर्सुएसिव है कि एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, पर्सुएसिव की एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव,
परसुएसिव मतलब क्या, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. एब्सोल्यूट अथॉरिटी मींस मानना ही पड़ेगा, बट तुम्हारे लिए परसुएसिव है ना. बेश शर्मो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को. चलिए ओके आ जाओ. नेक्स्ट है कंडीशनली अथॉरिटिव. नेक्स्ट क्या बड़ी, कंडीशनली अथॉरिटिव. आ जाओ. चलिए सर चार्जर हटा दो, 100% है आज आईपैड चार्ज आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. चलिए ओके ना. नेक्स्ट है, चलिए बड़ी सर सुप्रीम कोर्ट के भी अलग अलग ब्रांच है क्या सर्टेन मैटर के लिए. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है देवेंद्र. चलिए ओके नेक्स्ट है बड़ी. ओके बड़ी नेक्स्ट है कंडीशनली अथॉरिटिव. व्हाट इज कंडीशनली अथॉरिटिव. कंडीशनली अथॉरिटिव मतलब होता है इट्स ऑर्डिनरली बाइंडिंग, ऑर्डिनरली बाइंडिंग, बट यू कैन डिसरिगार्डेड, बट यू कैन डिसरिगार्डेड, यू कैन डिसरिगार्डेड इफ देयर इज समथिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ और रीजन. सुनो कि गर्लफ्रेंड की बात इज कंडीशनली अथॉरिटिव. व्हाट इज कंडीशनली अथॉरिटिव. वैसे तो मानना पड़ता है, बट वो कुछ भी बकवास बोल रही थोड़ी थोड़ी मानेंगे. वो कुछ भी बकवास बोल रही तो मानेंगे क्या. अरे बोल मानेंगे क्या. कुछ भी बकवास बोल रही थोड़ी मान लेंगे. वैसे तो मानना पड़ता है, बट कुछ भी बकवास बोलेगी तो थोड़ी मानेंगे ना. अरे समझे क्या. इसे कहते हैं कंडीशनल अथॉरिटी. जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोलती है कि चलो अपन क्या. नहीं नहीं नहीं, उसमें तो मैं मानूंगा ना. अभी ध्यान दे, वो तो वो मना करती है अभी. ओके एनीवे अभी ध्यान देना. अभी पर मेरे को वो बोलती है, सुनो दो, मेरे को वो बोलती है चलो अपन फॉरेन चलते हैं. कहाँ चलते हैं, फॉरेन. घर वालों को बिना बताए भाग जाते हैं, फॉरेन चलते हैं. ठीक है, घूम के आ जाएंगे, कोई झूठ बोल के घर चलेंगे, मतलब झूठ बोल के जाएंगे और बढ़िया से वीजा निकालो, कहीं चलते हैं यूरोपियन कंट्री घूम के आते हैं. तो मेरे को एक बात बताओ, ये अब ऐसी बात है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, अच्छी नहीं लग रही मेरे को, तो ये मेरे लिए क्या है, कंडीशनली अथॉरिटी. कंडीशनली अथॉरिटी मतलब वैसे तो आप उसकी बात मानते हो, लेकिन इफ यू हैव अ रीजन, If you have some reason, if you have there is something contrary to law, तो आप मना कर सकते हो. इसे कहते हैं conditional authority. Like full bench का decision, division और single पे क्या है. वैसे तो conditional authority, वैसे तो मानना पड़ता है, लेकिन if there is something contrary to law or reason, तो आपकी मर्जी है. जल्दी से बताओ, if there is something what contrary to law or reason, तो क्या करना पड़ेगा. मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. बोलो हाँ या ना. अरे यस और नो. कल के एक बच्चे का मैसेज आया मेरे को, बोलते सर आप कितना बेवकूफ बनाते हो बच्चों को, रिकॉर्डेड वीडियो दिखा रहे हो, मतलब ये जो यूट्यूब पे चल रहे हैं सारे रिकॉर्डेड वीडियो चल रहे हैं और आप बताते हो लाइव है. मैं कहा भाई तू ही समझ पाया. मैंने कहा यार प्लीज किसी को बताना मत. मैंने कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज किसी को मत बताना यार मैं रिकॉर्डेड वीडियो चला रहा हूँ, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा पोपट हो जाएगा एसेट. मैं कहा एक से एक लोग होते हैं यार, गजब लोग होते हैं कसम से. अभी ध्यान देना भी पलियस. कंडीशनल अथॉरिटी क्या, वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है. वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है बड़ी, मानना पड़ता है. बट वैसे तो आपको मानना पड़ता है, बट वॉट. अरे बोलो ना. यस याद रखना, वैसे तो मानना पड़ता है, बट इफ देयर इज समथिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ और रीजन देन यू आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो. मैं बताओ फुल बेंच का डिसीजन डिवीजन और स्मॉल के लिए क्या है, कंडीशनली अथॉरिटी. यू आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो, बट इफ यू हैव समथिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ और रीजन देन यू आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो. इजी एवरीवन. चलो सारे काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. सबसे पहले प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिकल केसेस इन द फ्यूचर. बोलो ये लाइन. इट्स अ रूल फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिकल केसेस इन द फ्यूचर. कितने प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा होता है, डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल. डिक्लेरेटरी मीन्स अप्लाइंग एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ, अप्लाइंग द एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ. इसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेटरी. क्रिएटिंग अ न्यू रूल ऑफ लॉ इज ओरिजिनल. अच्छा विच इज नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो यू, इट्स योर विल. परसुएसिव एग्जाम्पल, वन हाई कोर्ट डिसीजन इज परसुएसिव टू अनदर हाई कोर्ट. ओके व्हाट इज एब्सोल्युटली अथॉरिटी, विच इज ऑब्लिगेटरी टू फॉलो वेदर यू अप्रूव और नॉट. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज एब्सोल्युटली अथॉरिटी टू ऑल हाई कोर्ट्स, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. यस और नो. अच्छा व्हाट इज कंडीशनल अथॉरिटी, विच इज ऑर्डिनरली बाइंडिंग, विच इज ऑर्डिनरली बाइंडिंग, बट यू कैन डिसरिगार्ड इफ देयर इज समथिंग कॉन्ट्ररी टू लॉ और रीजन. एग्जाम्पल, फुल बेंच डिसीजन इज कंडीशनली अथॉरिटी टू स्मॉल बेंच एंड डिविजन बेंच. इजी एवरीवन. समझ, जो मानना ही पड़ेगा वो एब्सोल्युटली अथॉरिटी है, जो वैसे तो मानना पड़ता है
बट डिसरिगार्ड कर सकते हैं इफ देयर इज समथिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड रीजन, वो कौन सा है? कंडीशनल अथॉरिटी. इजी, समझ में आया? चलिए अब तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेयर डेसिस, रेशियो डेसिडेंटी एंड ऑर्बिटर डिक्टा. मैंने लिखवाया था कहीं ये? मैंने किसमें क्या क्या लिखवाया था? तीनों लिखवाया था क्या? रेशियो डेसिडेंटी लिखवाया था और ऑर्बिट डिक्टा लिखा था, स्टेयर डेसिस नहीं लिखवाया था. चलो ठीक है, पहले स्टेयर डेसिस कर लेते हैं, जितना मैं बताऊं उतना याद करना. आ जाओ, चलिए. जितने बहुत सारे लोग मेरे को दिख रहे हैं लेट आए हैं, बेटा प्लीज आप बैक करके देखो शुरू से, ऐसे हाफ से मत देखो. इट्स अ रिक्वेस्ट बड़ी, इट्स अ रिक्वेस्ट बड़ी, प्लीज आप लोग बैक करके शुरू से देखो उसको. चलिए अच्छा, कम ऑन एवरीवन, आ जाओ जल्दी से, स्वीट आर्ट्स. यस, धन्यवाद. चलिए, स्टेयर डेसिस, स्टेयर डेसिस मतलब क्या होता है? ध्यान देना, इसका मतलब होता है अधर टू द डिसीजन. बोलो क्या? आवाज नहीं है, बोलो क्या? अधर टू द डिसीजन. वंस मोर, क्या? अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. बोलो क्या? फिर से बोलो, अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. फिर से बोलो, अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. फिर से बोलो, अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. वंस मोर, अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. वंस मोर, adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Once more, adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Once more, adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Ek baar fir se, adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Once more, adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Jo cheez already established ho chuki hai, decide ho chuki hai, us pe ade raho, us pe tike raho, उसको फॉलो करो, उसको चेंज ना करो. इसे कहते हैं स्टेयर डेसिस. लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इसका मतलब क्या होता है? लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. स्टेयर डेसिस मतलब क्या होता है? लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. कोर्ट ने बोला चोरी करने की 10 साल की जेल है, तो जितने भी मामले आएंगे चोरी के, कितनी जेल होनी चाहिए? 10 साल. मैंने कहा क्लास में कोई मस्ती करेगा तो 100 रुपए का फाइन है, तो कोई भी मस्ती करे कितना फाइन होना चाहिए? 100 रुपए. लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. Like cases should be adhere to the decision, do not unsettle things which are established. बोलो क्या? Adhere to the decision and do not unsettle things which are established. इसका मतलब क्या होता है? Like cases should be treated alike. पहला पॉइंट क्या बनेगा stare decisis में? कि adhere to the decision, do not unsettle things which are established. सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? Like cases should be treated alike. यह आया था पब्लिक पॉलिसी के लिए, एक्सपीडियंसी के लिए. क्यों आया था ये? पब्लिक पॉलिसी के लिए, एक्सपीडियंसी के लिए. मतलब ये तो एक तो सबके लिए एक समान लॉ, पब्लिक पॉलिसी हो, एक्सपीडियंसी मतलब फटाफट मामले सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. ये आया था यूनिफॉर्मिटी के लिए. किस लिए आया था बड़ी ये? बोलो किस लिए आया था ये? यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी. चौथा, तीसरा पॉइंट बनेगा पब्लिक पॉलिसी और एक्सपीडियंसी के लिए आया था. चौथा पॉइंट बनेगा सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए आया था. काय के लिए आया था बड़ी? सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी. मेरे को बताओ स्टेयर डेसिस मतलब क्या होता है? अधर टू द डिसीजन, डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश्ड. लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. क्यों आया था ये? पब्लिक पब्लिक पॉलिसी, एक्सपीडियंसी, यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी. बोलो क्या? पब्लिक पॉलिसी, एक्सपीडियंसी, यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी. स्टेयर डेसिस मतलब क्या इसका? ना हिंदी में मतलब क्या इसका? कि सिमिलर केसेस में सिमिलर जजमेंट आना चाहिए. क्या मतलब है इसका? सिमिलर केसेस में सिमिलर जजमेंट आना चाहिए, हाँ या ना? और जो वो रूल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट. जो रूल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट. बोलो हाँ या ना? लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. अदर टू द डिसीजन, डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश्ड. क्यों बना था ये? पब्लिक पॉलिसी, एक्सपीडियंसी, सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी. इजी बड़ी. चलो नेक्स्ट है रेशियो डेसिडेंडी. नेक्स्ट कौन सा बड़ी? बोलो नेक्स्ट कौन सा है? रेशियो डेसिडेंडी. व्हाट इज रेशियो डेसिडेंडी? मैंने लिखवाया था ये. yes. किसके पास है लिखा हुआ बताओ? वो ध्यान नहीं, मैंने कौन सा लिखवाया था यार, मेरी बुक में नहीं लिखा ना. अच्छा मैंने क्या लिखा था? लर्न करवा देता हूं ना, कोई नहीं. चलिए ठीक है, ओके ओके. ध्यान देना, रेशियो डेसिडेंडी मतलब होता है रीजन फॉर डिसाइडिंग. क्या मतलब होता है बड़ी? रीजन फॉर डिसाइड. पहले मतलब समझ लो फिर लर्न करते हैं. सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, ध्यान देना बड़ी, सुनना बड़ी.
हुआ क्या कि एक लड़के ने लड़की को छेड़ा, एक लड़के ने क्या किया, लड़की को छेड़ा। तो जज साहब ने बोले ये सब गलत बात है बेटा, लड़के को लड़कियां नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, लड़की तुम्हें छेड़े तो भी गलत बात है, बट तुम्हें तो लड़की नहीं छेड़ना चाहिए, उससे अच्छा शादी करो, घर बसाओ, बच्चे करो, माँ बाप को बोलो तुमसे नहीं पटरी तो पटवा, मतलब कि ढूंढ के देंगे, शादी कर लो ना, क्यों ऐसे करते हो गलत काम। कोर्ट ने ऐसी बातें बोला। फिर लास्ट में एक लाइन बोला कि जो भी व्यक्ति लड़की छेड़ेगा उसको सजाए मौत होगी। क्या होगी? सजाए मौत। सजाए क्या होगी? मौत। गौरव सुन रहा है? क्या होगी बेटा? सजाए मौत। ओ सॉरी टट्टानंदू, समझ रहा है ना, ठीक है, याद रखना। तो क्या होगी बेटा? सजाए मौत। अब सुनो मेरी बात, मेरे को बताओ, हेलो 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 पीपल, जब अब एक और केस आता है, नेक्स्ट दिन एक और केस आता है सेम, किसी ने लड़की छेड़ा, तो क्या जज साहब फिर से वही रिपीट करेंगे पूरा कि लड़की छेड़ना बेटा गलत बात है, लड़की तुमसे नहीं पट रही तो घर वालों को बोलो पटवा, शादी करवा के दे, क्या करके दे, शादी करवा के दे। अच्छा मेरे को तो सेम कुछ वो फॉलो करने की जरूरत है कि सिर्फ एक लाइन फॉलो करना है सजाए मौत, सिर्फ एक लाइन फॉलो करना है सजाए मौत। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रेशियो डिसिडेंडी। रेशियो डिसिडेंडी मीन द प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड इन द अर्लियर सूट मस्ट बी फॉलोड, नॉट द होल जजमेंट शुड बी फॉलोड। पुराने केस में जो पूरी जजमेंट आई थी वो पूरी की पूरी जजमेंट फॉलो नहीं करना है, सिर्फ क्या फॉलो करना है, सिर्फ क्या फॉलो करना है, वो जो बेसिकली रूल डेवलप हुआ, वो जो प्रिंसिपल डेवलप हुआ, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल बना वो फॉलो करने आने वाले केसेस में, उसे कहते हैं रेशियो डेसिडेंटी। बाकी की जितनी बातें आलतू फालतू की उसे बोलते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। बाकी की फालतू चीजों को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर डिक्टा फॉलो करने की रेशियो डेसिडेंटी, रेशियो डेसिडेंटी। तो रेशियो डेसिडेंटी इज अ रीजन फॉर डिसाइडिंग। बोलो रेशियो डेसिडेंटी क्या है बेटा? रीजन फॉर डिसाइडिंग। फिर रेशियो डेसिडेंटी इज व्हाट? रीजन फॉर डिसाइडिंग। व्हाट इज रेशियो डेसिडेंटी? रीजन फॉर डिसाइडिंग। व्हाट इज रेशियो डिसिडेंडी? रीजन फॉर डिसाइडिंग। बोलो हाँ या ना? सो जुडिशियल डिसीजन इज बाइंडिंग एज अ प्रेसिडेंट। बोलो क्या? जुडिशियल डिसीजन इज बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट। बोलो क्या फिर से? जुडिशियल डिसीजन इज बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट इफ सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन अ फ्यूचर। इफ सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन अ फ्यूचर। फिर से बोलो क्या? If similar facts arise in a future, a rule or principle formulated is applied in a similar circumstances, it is only a ratio decidendi. समझो बात को, learn कैसे करना है। सबसे पहला point बनेगा ratio decidendi is reason for deciding। क्या बनेगा? Ratio decidendi is what? Reason for deciding। बोलो क्या है ratio decidendi? Reason for deciding। Second point आपका बनेगा judicial decision is binding as a precedent when similar facts arise in future। बोलो क्या? Judicial decision is binding as precedent। बोलो क्या? Judicial decision is binding as precedent when what? Similar facts arise in future. When similar facts arise in future. When similar facts arise in future. बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब third point बनेगा, the rule or principle formulated must be followed in similar cases. बोलो क्या? The rule or principle followed must be followed. The rule or principle formulated must be followed in similar cases. फिर से बोलो, the rule or principle formulated must be followed in similar cases. अब सुनो, material facts follow करना है कि immaterial? Material के immaterial? Material के immaterial? So last point बनेगा, ratio decidendi is material fact. Ratio decidendi is material fact and all immaterial fact should be abstracted. Ratio decidendi क्या है बेटा? Material fact and all immaterial fact will be abstracted. वो खत्म हो जाएंगे. So ratio decidendi बेटा rule of law है जो judges बनाते हैं, ठीक है, while deciding the problem. So ratio decidendi is a rule of law. Ratio decidendi is a rule of law formulated by judge by when deciding the problem, when they are deciding the problem. सुनो, जिनके पास ये लिखा हुआ नहीं है कैसे देंगे? टेलीग्राम में भिजवा दूंगा, ठीक है? अच्छा, बाकी लोग को याद कैसे करना है, मैं अभी याद कराता हूं. चार पॉइंट. पहला पॉइंट बनेगा रेशियो डिसिडेंडी मतलब क्या होता है? रीजन फॉर डिसाइडिंग. बोलो रेशियो डिसिडेंडी इज व्हाट? रीजन फॉर डिसाइडिंग. सेकंड पॉइंट बनेगा, जुडिशियल डिसीजन बिकम्स द प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन द फ्यूचर. क्या बनेगा सेकंड? जुडिशियल डिसीजन बिकम्स द प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन द फ्यूचर. फिर से बोलो, जुडिशियल डिसीजन बिकम्स द प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन द फ्यूचर. वंस मोर, जुडिशियल डिसीजन बिकम्स द प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन द फ्यूचर. अरे हाँ या ना? अच्छा, रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड. बोलो क्या? Rule or principle formulated must be followed in similar cases या similar circumstances. Rule or principle
formulated must be followed in similar cases या similar circumstances. को क्या follow करना है? Material की immaterial? Material. So ratio decedent is what? Material fact. And all immaterial fact will be subtracted. All immaterial fact will be subtracted. अरे हाँ या ना? Yes or no? Yes, buddy. So ratio decedent is what? Rule of law. It's what, buddy? Rule of law formulated by judge. It's what? Rule of law formulated by judge while deciding the problem. While deciding the problem. ठीक है, तो मैं आपको इसको भेज दूंगा, आप लोग लर्न कर लेना घर पे. सो एकदम सिंपल रखना. पहला पॉइंट क्या बनेगा? रेशियो डिसेंडेंट इज व्हाट? रीजन फॉर डिसाइडिंग जुडिशियल डिसीजन बिकम प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन फ्यूचर. फिर थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? द रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड मस्ट बी फॉलोड इन सिमिलर केसेस. मटेरियल फैक्ट शुड बी रेशियो डिसेंडेंट इज मटेरियल फैक्ट एंड इमटेरियल फैक्ट शुड बी सब्सट्रैक्टेड. और लास्ट पॉइंट क्या बनेगा? लास्ट पॉइंट बनेगा कि द रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय जज बिकम्स द रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय जज बिकम्स द रेशियो डिसेंडेंट इन सिमिलर केसेस. या फिर सिंपल लिख सकते हो कि रेशियो डिसेडेंट इज अ रूल ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड बाय जज फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम इन सिमिलर केसेस. अब सुनो मेरी बात. अब आप बोलोगे सर स्टेयर डेसिस और रेशियो डिसेडेंट में क्या फर्क है? स्टेयर डेसिस में भी तो यही होता था. क्या होता था स्टेयर डेसिस में? कि लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. और रेशियो डिसेडेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि रूल बनेगा जो सिमिलर केसेस में फॉलो होगा. सुनो, स्टेयर डेसिस कहता था कि सिमिलर केसेस में क्या आनी चाहिए? सिमिलर जजमेंट. क्या बोलता था? सिमिलर केसेस में क्या आने चाहिए? सिमिलर जजमेंट. लेकिन क्या पूरी जजमेंट को फॉलो करना है कि सिर्फ उसके रूल को? सिर्फ उसके रूल को. इसे क्या कहते हैं? रेशियो डेसिडेंडी. और बाकी की जो आलतू फालतू की बातें वो क्या बन जाती है? ऑर्बिटर डिक्टा. जो आलतू फालतू की बातें वो क्या बन जाती है? ऑर्बिटर डिक्टा. देखो सबसे ऊपर आता है स्टेयर डेसिस. सिमिलर केसेस में सिमिलर जजमेंट आनी चाहिए. उसके दो पार्ट हो जाते हैं स्टेयर डेसिस के. एक क्या बन जाता है? रेशियो डिसेडेंटी. एक क्या बन जाता है? ऑर्बिटर डिक्टा. हमें क्या फॉलो करना है? रेशियो डिसेडेंटी. क्या फॉलो नहीं करना है? ऑर्बिटर डिक्टा. ऑर्बिटर डिक्टा हमें फॉलो नहीं करना है. अब ऑर्बिटर डिक्टा क्या है, ध्यान देना स्वीटहार्ट. ऑर्बिटर डिक्टा एकदम सिंपल है कि जजेस वाइल गिविंग जजमेंट एक्सप्रेस मेनी सच थिंग विच आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर इशू. जजेस जजमेंट देते समय बहुत सारी बातें बोलते हैं जो नेसेसरी है कि नहीं है? जो नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है तो वो परसुएसिव है. व्हाट डू मीन परसुएसिव? मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. सो जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम. मतलब जजेस को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम. बट वो क्या कर सकते हैं? उसका एडवांटेज. क्या ले सकते हैं बड़ी? उसका एडवांटेज. मेरे को बताओ, जजेस जब जजमेंट देते हैं बड़ी, सो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो नेसेसरी नहीं है, तो वो क्या बन जाती है? परसुएसिव. व्हाट डू मीन परसुएसिव? मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. क्या जजेस को फॉलो करना कंपलसरी है? नो. बट क्या वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं? यस. ठीक है, ये क्या है बड़ी? ऑर्बिटर डिक्टा. फिर सोलो, क्या है बड़ी ये? ऑर्बिटर डिक्टा. फिर सोलो, जजेस वाइल गिविंग जजमेंट. मेरे साथ बोलो क्या? जजेस वाइल गिविंग जजमेंट क्या करते हैं? एक्सप्रेस मेनी थिंग्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी. सो दे आर expression which is only persuasive. Which is what buddy? Only persuasive. Judges are bound to follow or not bound to follow? Not bound to follow, but they can take what? Advantage of it. फिर से बोलो एक बार, judges while giving judgment express many things which are not strictly necessary for particular issue, so it is only persuasive. Judges are not bound to follow. Judges क्या follow करेंगे नहीं करेंगे? Judges follow करना जरूरी नहीं है. जजेस को फॉलो करना जरूरी नहीं है. ठीक है, जजेस को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट वो क्या ले सकते हैं? इसका एडवांटेज. बेटा मैं दे दूंगा आपको, नोट मिल जाएंगे, टेंशन ना लो. ओके, सो ध्यान देना बड़ी. तो एक बार तीनों मेरे को रिवाइज करा दो. चलो, स्टेयर डिसीज क्या था? अधर टू द डिसीजन डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. फिर से बोलो क्या? अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. वंस मोर, अधर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश. सेकंड पॉइंट क्या बनता था उसमें? लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक. ये क्यों बना था? पब्लिक पॉलिसी, एक्सपीडियंसी, सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी. इजी. अच्छा, रेशियो डिसेडेंडी. व्हाट इज रेशियो डिसेडेंडी? इट्स अ रीजन फॉर डिसाइडिंग. इट्स व्हाट बडी? रीजन फॉर डिसाइडिंग. पहला पॉइंट बनता था. सेकंड पॉइंट क्या बनता था? इट्स अ द जुडिशियल डिसीजन इज बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट. जुडिशियल डिसीजन क्या होता है? बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट. फॉर व्हाट? फॉर डिसाइडिंग सिमिलर केसेस इन फ्यूचर. राइट पीपल. थर्ड पॉइंट क्या बनता था?
थर्ड पॉइंट क्या बनता था कि द रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड मस्ट बी फॉलोड इन सिमिलर केसेस. फोर्थ पॉइंट बनता था रेशियो डेसिडेंटी इज अ मटेरियल फैक्ट एंड इमटेरियल फैक्ट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड, है ना, यस और नो. लास्ट पॉइंट बनता था कि रेशियो डेसिडेंटी इज अ रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय जज फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. लास्ट पॉइंट ये बनता था. तो पांच पॉइंट आपके बनते थे किसमें, रेशियो डेसिडेंटी में. पूरे एक बार पांचों फिर से बताओ. पहला कौन सा बनता था, इट्स अ रीजन फॉर डिसाइडिंग. सेकंड बनता था जुडिशियल डिसीजन इज बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट व्हेन सिमिलर फैक्ट्स अराइज इन फ्यूचर. थर्ड बनता था कि इट्स अ रूल और प्रिंसिपल फॉर डिसाइडिंग सिमिलर केसेस इन फ्यूचर, ठीक है, या फिर फॉर डिसाइडिंग सिमिलर प्रॉब्लम. फिर बनता था रेशियो डेसिडेंटी इज अ मटेरियल फैक्ट एंड इमटेरियल फैक्ट शुड बी सब्सट्रैक्टेड. और लास्ट बनता था कि रेशियो डेसिडेंटी इज रूल और प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड बाय जज फॉर डिसाइडिंग प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. मेरे को एकदम एक सिंपल सी बात बताओ, रेशियो डेसिडेंटी क्या है, मटेरियल फैक्ट्स की इमटेरियल फैक्ट्स? मटेरियल फैक्ट मतलब जज जब जजमेंट देता है तो बहुत सारी बातें करता है, एक रूल बनाता है और बाकी की बहुत सारी बातें करता है. जो रूल बनाता है वो क्या है, रेशियो डेसिडेंटी, और बाकी की बातें क्या है, ऑर्बिटर डिक्टा. सो ऑर्बिटर डिक्टा क्या है, जज वाइल गिविंग जज एक्सप्रेस मेनी थिंग्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर इशू. बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो बहुत सारी इशू के लिए जरूरी नहीं है, तो वो सब क्या बन जाती है, परसुएसिव. उसे फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो. जजेस को फॉलो करना कंपलसरी है, नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर जज टू फॉलो, बट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. यस, इजी, एक बार घर पे पढ़ना पड़ेगा और लर्न हो जाएगा पक्का है. सुनो, रेशियो डिसिडेंटी बहुत सारे लोग के पास नहीं है. आई विल गिव हैंड रिटन नोट्स इन योर टेलीग्राम, राइट पीपल, ओके आ जाओ. बच्चे कह रहे हैं ऑर्बिटर डिक्टा में जजेस उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, मतलब जज ने जब एक जजमेंट दिया तो ऐसी कुछ बातें बोल दिया जो केस के लिए नेसेसरी नहीं थी, है ना जी. बहुत एक मान लो से फॉर एग्जांपल कि जब एक मैटर आया कि लड़के ने लड़की को छेड़ा, तो एक जज ने बोला कि भाई लड़की छेड़ना वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन आपने अगर बाय चांस किसी लड़की के साथ कोई हरकत की है तो आपकी इंटेंशन देखी जाएगी. क्या देखी जाएगी, इंटेंशन. अब ये नेसेसरी नहीं था, उसने बोल दिया. अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, सिमिलर ऐसे कोई केस आया बट बंदे ने गलती से किसी को टच किया था, तो उसने पुराना जो केस था उसमें ऑर्बिटर डिक्टा में क्या बोला था कि इंटेंशन देखा जाएगा, तो वो फॉलो किया नेक्स्ट जजमेंट. तो ऑर्बिटर डिक्टा का जजेस क्या कर सकते हैं, आने वाले केसेस में क्या ले सकते हैं, एडवांटेज. दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट बट इट इज नॉट कंपल्शन टू फॉलो. चलो अब नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना. सो तीनों बातें देखो एग्जाम में आती है. ये मैंने क्यों आपको इतना टाइम लेके कराया इसमें, क्योंकि घर पे छोड़ देते हैं बच्चे, तीनों चीजें छोड़ देते हैं, स्टेयर डेसिसिस, रेशियो डेसिडेंटी एज वेल एज ऑर्बिटर डिक्टा. वो लैंग्वेज देख के फट जाती है, समझ में आता है बट एग्जाम में लिखते नहीं बनता. समझ में पता होता है कि लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड लाइक स्टेयर डेसिसिस, रेशियो डेसिडेंटी रीजन है वो फॉलो करना है, ऑर्बिटर डिक्टा आलतू फालतू की बात है, बट लिखते कैसे एग्जाम में आता नहीं है. इसलिए मैंने क्लास में टाइम लेके आपको बताया कि इतने इतने पॉइंट्स बनने चाहिए. एक बार लास्ट बार एक और बार देख लो फिर आगे बढ़ जाते हैं. चलो जल्दी से बताओ, स्टेयर डेसिस क्या, इट्स adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Stare decisis मतलब क्या होता है, like cases should be treated alike. ये क्यों आया था, public policy, expediency, certainty, uniformity, हाँ या ना. अच्छा stare decisis क्या है, it's a reason for deciding. It's what, reason for deciding. Second point क्या बनता है, judicial decision is binding as precedent when similar facts arise in future. Third point क्या बनता है, it's a rule or principle formulated by judge when similar facts arise in future, judges follow them. ठीक है, उस next point क्या बनता है, ratio decidendi is what, material fact and immaterial fact should be abstracted. और last point बनता है कि it's a ratio decidendi is rule or principle formulated by judge for deciding similar problem arising in future. ठीक है, सो रूल और प्रिंसिपल ये वर्ड आना चाहिए. क्या आना चाहिए बड़ी, रूल और प्रिंसिपल. एक ये वर्ड आना चाहिए रेशियो डेसिडेंटी में, दूसरा आना चाहिए कि मटेरियल फैक्ट. क्या आना चाहिए बड़ी, मटेरियल फैक्ट. ये दो शब्दों पे मार्क्स हैं. अच्छा ऑर्बिटर डिक्टा क्या है, जजेस वेल गिविंग जजमेंट एक्सप्रेस मेनी थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर इशू. ये कैसी है, पर्सुएसिव. मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो. जजेस को कंपलसरी फॉलो करना नहीं, बट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. यस, इजी, ओके चलो आ जाओ. नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना सर. जो रेशियो डेसिडेंटी है आपने उसमें जो पांच पॉइंट बताए हैं वो ही लिखने हैं, बस वही लिख रहे हैं, दैट्स इट. ओके नेक्स्ट है पीपल, मेरे को बताओ क्या लॉ और कहां से आते हैं, जल्दी से बताओ. वी हैव हाफ एन आवर, वी हैव टू कंप्लीट दिस इन हाफ एन आवर. चलो जल्दी से बताओ, और का लॉ कहां से आते हैं, और लॉ कहां से आते हैं बड़ी, स्टैच्यू और लेजिस्लेचर. कहां से आते हैं लॉ, स्टैच्यू और लेजिस्लेचर.
दो प्रकार के लेजिस्लेचर होते हैं, एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेचर, एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। एक कौन सा होता है सुप्रीम, एक कौन सा होता है सबऑर्डिनेट। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन से हैं सुप्रीम। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये कौन से हैं, अरे बोलो ना कौन से हैं, आवाज नहीं आई, कौन से हैं सुप्रीम। और म्युनिसिपैलिटी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, आरबीआई, सेबी, जिनको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने पावर दिया वो कौन है सबऑर्डिनेट। द वन हु इज deriving the power from directly constitution is supreme legislation and the one who is getting power from supreme legislation is subordinate legislation. The one who make law is legislation but the one who is getting power from constitution is supreme. कौन आते हैं इसमें, दो कौन से, parliament और state legislature। फिर सोलो कौन से आते हैं, parliament और state legislature। और जिनको parliament और state legislature से power मिला वो किसमें आते हैं subordinate। supreme legislation देश में मैं बोलूँ तो चार है। सर क्या बोल रहे हो, चार कैसे, एक तो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा विधान परिषद, तीसरा प्रेसिडेंट, चौथा गवर्नर। चार सुप्रीम लेजिस्लेचर है, कितने, चार, कौन कौन से, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, बस। और जिनको उनसे पावर मिला वो चार लोगों से वो किसमें आएंगे सबऑर्डिनेट लेस, म्युनिसिपैलिटी, एग्जीक्यूटिव, आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ये सब किसमें आते हैं सबऑर्डिनेट। क्या यहां से भी लॉ बनते हैं, yes, so that's a third basically your principal source and last one is personal law। last कौन सा है, personal law। क्या हिंदू लॉ कहां से बने, हिंदू लॉ बने श्रुति से। हिंदू लॉ कहां से बने, श्रुति, जिसमें चार वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं, चार, कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है बेटा, युग बोला ना, वो चार वेद है, कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, ठीक है, ओके। तो चार वेद है हमारे, हाँ या ना, ये सब उसको कहते हैं श्रुति। क्या कहते हैं, श्रुति। हिंदू लॉ श्रुति से बने, स्मृति से भी बने। व्हाट इज स्मृति, ऋषि मुनियों की वाणी, उसे हम कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं बड़ी, स्मृति। ऋषि मुनियों ने जो वाणी लिखी थी ना उसे कहते हैं स्मृति। तो सबसे प्यारी क्या है, सबसे अच्छी कौन है, सबसे स्वीट कौन है, स्मृति। श्रुति भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। तो श्रुति और स्मृति दोनों बहुत अच्छी है, दोनों बहुत प्यारी है। तो हमें श्रुति से लॉ बने और कहां से बने हैं, स्मृति से, ठीक है। और लॉ बने हैं जो स्मृति है उसमें तीन है, मनु, यज्ञवल्क्य और नारद। कौन है बेटे, मनु, यज्ञवल्क्य और नारद। फिर से बोलो, मनु, यज्ञवल्क्य और नारद। श्रवण कह रहा है कोई भी चलती है, तेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी और तू बोलता है कोई भी चलती है ऐसा। चलिए अभी ध्यान देना, तो हिंदू लोग कहां से आए जल्दी बताओ, श्रुति, स्मृति। स्मृति में तीन है, कौन कौन से, मनु, यज्ञवल्क्य और नारद। श्रुति में चार है वेद, कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद बोला ना, अथर्ववेद, अथर्व भी बोला, तो कौन सा बचा, यजुर्। अच्छा ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट है मोमेडियंस के लोग कहां से आते हैं, तो कुरान से मेन आता है, मेन कहां से आता है कुरान। फिर आते हैं हदीस, इजमास, कियास और बहुत सारी कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट है, ठीक है। कहां कहां से आते हैं बड़ी, कुरान, हदीस, इजमास, कियास और बहुत सारी क्या है, कॉमेंट्रीज। मोमेडियंस के लोग कहां से आते हैं बड़ी, कुरान, हदीस, इजमास, कियास और बहुत सारी क्या है, कॉमेंट्री। इजी, चलो वंडरफुल। तो अलग अलग लॉ है हिंदू और मुस्लिम के, मैरिज के अलग लॉ है, डाउरी के अलग लॉ है, डिवोर्स के अलग लॉ है, ठीक है। अभी अभी डिवोर्स का वो चेंज हुआ, तलाक 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 है ना, पहले था तीन तलाक का लॉ, अभी गया ना, तो मोदी जी ने हटाया वो। सो बहुत सारे ऐसे लॉ हैं। चलिए नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। वी हैव टू डू सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, उसके बाद जुरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। वी हैव हाफ एन आवर, वी हैव टू डू इट इन हाफ एन आवर। चलिए अभी ओके करेंगे इसको, 40 मिनट लगा तो कर लेंगे, थोड़ा सा अपर सर को वेट करा देंगे, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में सबसे पहला आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। कौन सा आता है बड़ी, जस्टिस, इक्विटी एंड, इसमें टाइम पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको ना वर्डिंग्स याद करा रहा हूं क्लास में। और ये क्यों करा रहा हूं पता है आपको, घर पे नहीं करते बच्चे, कई लोग क्या करते हैं पता है, समझ लेते हैं उसको, रीड करके छोड़ देते हैं, फिर याद होता नहीं है, चैप्टर को छोड़ देते हैं और फिर वो चैप्टर आ जाता है, लग जाती है, बच जाती है, खत्म हो जाते हैं, पांच छह नंबर भी अगर छूट गए तो बहुत होते हैं ना यार पांच नंबर। चलो आ जाओ, नाउ ध्यान देंगे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। नाउ ध्यान देंगे पीपल, ओके हेलो, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, क्या यहां से लॉ बनते हैं कि नहीं बनते हैं, अरे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, मेरे को तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस यहां से लॉ बनते हैं,
यस जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है. क्या बोलो? जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज दिस अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ? अरे हाँ या ना. अरे बोलो. अब सुनो मेरी बात, याद कैसे करेंगे इसको? ये भी लिखवाया था. कहाँ लिखा है? लिखवाया था क्या इसको? कहाँ लिखा है बॉस? दिखा क्या लिखवाया था? हाँ जी, इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ और कस्टम और पर्सनल लॉ गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. रुको मैं इसको कैसे ले सकते हैं इसमें. हाँ जी, इसकी फोटो खींच ले क्या? चलो बेस्ट आइडिया, दी बेस्ट आइडिया. इसकी माँ की जय हो. हाँ हाँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई. अरे यार पेज बहुत उड़ रहे हैं. चलो ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको दिख रहा है. शायद आई बिलीव तो दिख रहा है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा. माँ मेरा फोन गिरा, बच गया. चलो ठीक है, यहां से आ जाएगा. चलिए ध्यान देना बड़ी. इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ जजमेंट, ध्यान से सुनना बड़ी. इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ और कस्टम, ठीक है ध्यान देना, ध्यान से सुनना पीपल. इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ और कस्टम गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. पहले क्या याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है कि इंडियन कोर्ट्स जब कोई लॉ नहीं है, जब कोई कस्टम नहीं है, तो किसको रिगार्ड देते हैं, किस पे ध्यान देते हैं? जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. हाँ या नहीं? ये पहला पॉइंट है. ये कौन सा पॉइंट है बड़ी? ये कौन सा पॉइंट है? ये फर्स्ट पॉइंट है. अगर आप देखो सेकंड पॉइंट है, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. कहां से आया था ये बड़ी? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से आया था. और थर्ड पॉइंट है, मैनी हाई कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गिव्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. बस तीन पॉइंट बनते हैं इसमें, बात खत्म हो जाती है. पहला पॉइंट क्या बनता है कि इंडियन कोर्ट्स वाइल गिविंग अ डिसीजन, बोलो क्या बड़ी? इंडियन कोर्ट्स वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ, इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. फिर से बोलो, इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. फिर से बोलो, इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. एक बार फिर से बोलो, इंडियन कोर्ट वाइल गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कहां से आया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. बोलो कहां से आया बड़ी? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. इंडियन हाई कोर्ट भी जब कोई लॉ ना हो, डिसीजन कौन से बेसिस पे देते हैं? जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. तीन पॉइंट है, बहुत ईजी है. इंडियन कोर्ट्स गिविंग अ डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ और कस्टम गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. ये कहां से आया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. और थर्ड क्या है? थर्ड क्या बड़ी? इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ हाई कोर्ट्स आल्सो गिव रिगार्ड टू जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सेम है. फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मोस्टली सेम है. एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से आया, और बाकी दो पॉइंट का यही मतलब है कि जब कोई लॉ ना हो, कस्टम ना हो, तो डिसीजन कौन से बेसिस पे आते हैं बड़ी? जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. ईजी बन जाएगा. चलो अब जो मैं बोल रहा हूं उस पर पॉइंट पॉइंट लर्न करना है बस. सो इंग्लिश लॉ कहां से आया हमारे देश में? अंग्रेजी के बहुत, अंग्रेज ने बहुत सारे लॉ लाए ना, वो कहां से आए इंग्लिश लॉज? तो पहले तो कॉमन लॉ, जजेस ने जजमेंट दी वहां से. जब भी जजेस लॉ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉमन लॉ. सो वहां से इंग्लिश लॉ है. लॉ मर्चेंट, लॉ मर्चेंट मतलब बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो लॉ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लॉ मर्चेंट या मर्केंटाइल लॉ. वहां से बहुत सारे इंग्लिश लॉ है. इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से बहुत सारे लॉ है. अंग्रेजों के जमाने में इक्विटी के लिए कोर्ट होता था, जिसे बोलते थे कोर्ट ऑफ चेंसरी. सो वहां से बहुत सारे इक्विटी के लॉज आए, है ना जी. और स्टैच्यू लॉ, व्हाट इज स्टैच्यू लॉ? वहां की लेजिस्लेशन ने बहुत सारे लॉ पास किए. तो अंग्रेजों के लॉ कहां से आए जल्दी से बताओ? एक तो कॉमन लॉ, जजेस ने जजमेंट दी. लॉ मर्चेंट, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड लॉज बहुत सारे बने, कस्टम रीति रिवाज को ध्यान रख के. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता को ध्यान रख के बहुत सारे लॉ बने. और स्टैच्यू लॉ, बस ये चार पॉइंट याद रखने हैं. सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ में क्या याद रखने? सिर्फ चार पॉइंट. बोलो कौन कौन से? कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैच्यू लॉ. फिर से बोलो, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैच्यू लॉ. वंस मोर, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैच्यू लॉ. वंस मोर, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैच्यू लॉ. फिर से,
कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैच्यू लॉ. लास्ट बार, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैच्यू लॉ. ये कहा है? अंग्रेजी, अंग्रेजों के लॉ यहां से आए, अंग्रेजों के. ठीक है, इंग्लिश लॉस. नेक्स्ट है, इंडिया में मर्केंटाइल लॉ कहां से है? व्हाट इंडिया के मर्केंटाइल लॉ कौन से है? इंडिया के मर्केंटाइल लॉ कौन से है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब क्या है? इंडिया के मर्केंटाइल लॉ. कहां से आए? तो ये आए सबसे पहले तो अंग्रेजों से, हमने अंग्रेजों से बहुत सारे लॉ उधार लिए. दूसरा, हमने खुद ने लॉ बहुत सारे पास किए, हमारे यहां भी बहुत सारे लॉ पास हुए. फिर जुडिशियल डिसीजन, जैसे केस है मोहिदी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, पता है क्या हुआ था इस केस में? इसमें डिसाइड हुआ था कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड अग्रीमेंट. क्या डिसाइड हुआ था? माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड अग्रीमेंट. तो ये जुडिशियल डिसीजन से आया. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन. ये कहां से आया? जुडिशियल डिसीजन. अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉस कहां से आए हैं? जुडिशियल डिसीजन, यस और नो? और बहुत सारे मर्चेंट लॉ हमारे कस्टम ट्रेड यूसेजेस से भी बने. तो इंडिया के मर्केंटाइल लॉ में चार पॉइंट याद रखने हैं. इंडिया के मर्केंटाइल लॉ कहां से आए? कहां से आए बड़ी? चार पॉइंट. कौन से चार पॉइंट याद रखने हैं? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजन और क्या बड़ी? और क्या बड़ी? कस्टम एंड ट्रेड यूसेज. फिर से बोलो कहां से आया? चार बोलो, चारों के नाम. इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड ट्रेड यूसेज. फिर से बोलो, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड ट्रेड यूसेज. फिर से, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड ट्रेड यूसेज. ये कहां से आए? इंडिया के मर्केंटाइल लॉ ये चार जगह से आए. चारों बोलो, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड ट्रेड यूसेज. सोर्सेस ऑफ लॉ आज ही ठोक देना. मैं कह रहा हूं आज ही कर लोगे ना तो हो जाएगा, वेट करोगे ना तो वो क्या है, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बात समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं. आज कर लोगे ना इसको, मैं बोल रहा हूं उसको नहीं भूलोगे आप लोग. इतना मैं जितना इसमें आपको रिविजन करवा रहा हूं ना, बार 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 बार, एक बार घर पे पढ़ लोगे ना फिट हो जाएगा दिमाग में. बस उसके बाद फिर जाना नहीं है दिमाग से. फिर 10 का है, 12 का है, 15 का है, 20 का है, पूरा बनेगा, ये बात तय है, गारंटी है. चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, लास्ट है आज का टॉपिक जुरिसप्रूडेंस, और इसमें अलग अलग ऑथर्स भी हैं, हमें उनके बारे में भी पढ़ना है. चलिए बढ़िया, आ जाओ. नाउ नेक्स्ट है जुरिसप्रूडेंस. अब इसमें आ गया, व्हाट डू मीन बाय जुरिसप्रूडेंस? तो लिखना, जुरिसप्रूडेंस इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड. पहली छाप देना सीधा, जुरिसप्रूडेंस डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, जुरिस एंड प्रूडेंस. बोलो क्या? जुरिस एंड प्रूडेंस. जुरिस मीन्स लॉ, क्या लिखोगे? जुरिस मीन्स लॉ. प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, इट मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ. पहले तो यही ठोक देना. अब वो आया, व्हाट डू मीन बाय जुरिसप्रूडेंस, क्या लिखोगे? जुरिसप्रूडेंस मीन्स, जुरिसप्रूडेंस इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, जुरिस एंड प्रूडेंस. जुरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंस मीन्स नॉलेज. It is known as knowledge of law. Jurisprudence is derived from two words. Jurisprudence. Juris means law. Prudence means knowledge. क्या बोलते हैं इसको? Knowledge of law. बोलो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? So it लिखना, it's a rule. It's a concept. It's a philosophies which explain law. It is a rule. It's a concept. It's a philosophies which explains law. क्या लिखोगे third second point? It's a rule. It's a principle. It's a concept, it's a philosophy which explains law. Jurisprudence क्या करता है? Jurisprudence ये बताता है कि law क्या है, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब कौन बताता है? Jurisprudence. कौन बताता है स्वीट आर्ट्स ये? Jurisprudence. बोलो हाँ यार, इसमें कौन होते हैं? लीगल फिलोसोफर्स होते हैं, जूरिस्ट होते हैं. कौन होते हैं बड़ी इसमें? लीगल फिलोसोफर्स होते हैं, जूरिस्ट होते हैं. वो इंपॉर्टेंट नहीं होता. अच्छा, आजकल जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग बदला होगा कि सेम होगा? जुरिसप्रूडेंस का मीनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, और अब इसको बहुत ही वाइडर टर्म है जुरिसप्रूडेंस. जुरिसप्रूडेंस सिर्फ एक देश का लॉ एक्सप्लेन करता है कि पूरे वर्ल्ड का. इट नॉट इज अबाउट स्पेसिफिक लॉ, इट्स अबाउट ऑल लॉज. इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक कंट्री, इट्स अबाउट वर्ल्ड. कि लॉ कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, जुरिसप्रूडेंस ये बताता है. सो लॉ, मेरे को बताओ, लॉ जो है बड़ी, क्या उसी का बहुत वाइडर मीनिंग है? अरे लॉ का ही बहुत वाइडर मीनिंग है ना, लॉ का थोड़ी नैरो मीनिंग है, लॉ का बहुत वाइडर मीनिंग है. किसने कोई छोटा सा रूल बना दिया राजा ने, वो भी लॉ है? अरे यस और नो? सो जुरिसप्रूडेंस का तो छोटा कितना वाइडर मीनिंग होगा, ये तो सारे लॉस को कवर करता है.
कि लॉस कहां से आया, नॉलेज ऑफ लॉ. आप सोचो ना, जुरिस्प्रूडेंस मींस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, इट्स कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफीज, थ्योरीज, सारी चीजें इसमें आ जाती है. सो इट इज अ वेरी वाइडर मीनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसकी बाउंड्री बहुत बढ़ गई है एंड ये आपको याद रखना है. अच्छा, अब नेक्स्ट है, जुरिस्प्रूडेंस के बहुत सारे स्कूल्स हैं. बोलो क्या है, जो बहुत सारे स्कूल. सीधा अगर आया, व्हाट डू मीन बाय जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. पहले तो क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, जुरिस्प्रूडेंस. जुरिस मींस लॉ, प्रूडेंस मींस नॉलेज, इट इज नोन एज नॉलेज ऑफ लॉ. सेकेंड पॉइंट आपका क्या बनेगा, कि इट्स अ कंसेप्ट, रूल, प्रिंसिपल, फिलोसॉफीज विच एक्सप्लेन्स लॉ, विच एक्सप्लेन्स व्हाट लॉ. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाउंड्री इज चेंज, है ना. बाउंड्री क्या हो गई है बेटा, चेंज हो गई है. एंड उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आपका आएगा. सेकेंड पॉइंट सिर्फ इतना लिखना कि देर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. देर आर व्हाट, वेरियस स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. जुरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन करेंगे, तीन प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के बड़ी, तीन. तीनों को समझाता हूँ. सबसे पहला है एनालिटिकल. सबसे पहला कौन सा स्वीटर, सबसे पहला कौन सा है, फिर से बोलो, सबसे पहला कौन सा है, एनालिटिकल. एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस में क्या याद रखना है, ध्यान देना सब लोग, ध्यान से सुनना. एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस में क्या याद रखना है, इट डिस्कवर्स प्योर साइंस ऑफ लॉ. बोलो क्या डिस्कवर करता है ये, प्योर साइंस ऑफ लॉ. इट डिस्कवर्स व्हाट, प्योर साइंस ऑफ लॉ व्हिच इज यूनिवर्सली ट्रू, व्हिच इज. पहला पॉइंट आपका बनेगा, एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस डिस्कवर्स द प्योर साइंस ऑफ लॉ व्हिच इज यूनिवर्सली ट्रू. पहला पॉइंट क्या बनेगा, एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस डिस्कवर्स द प्योर साइंस ऑफ लॉ व्हिच इज यूनिवर्सली ट्रू. क्या मतलब है इसका, कि ये वाला जुरिस्प्रूडेंस ऐसी चीजें डिस्कवर करता है जो प्योर साइंस पे बेस्ड है, जो सब मानते हैं. लाइक ऐसा नहीं कि कोई मानता है और कोई नहीं मानता. मेरे को बताओ, ग्रेविटी सब मानते हैं, तो इट्स अ प्योर साइंस ऑफ लॉ. अच्छा मेरे को बताओ, क्या एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सब मानते हैं, तो इट्स व्हाट, इट्स अ प्योर साइंस. इट्स व्हाट बडी, प्योर साइंस. तो एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस कहता है हम ऐसी चीजें डिस्कवर करते हैं जो प्योर साइंस है, विच इज यूनिवर्सली ट्रू, मतलब सब मानते हैं. एंड नॉट शिफ्टिंग सेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस, एंड नॉट शिफ्टिंग सेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता. व्हाट डू मीन बाय शिफ्टिंग सेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ये कहावत है कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग मान रहे हैं कुछ लोग नहीं, यूनिवर्सली ट्रू है. सो आपको बस एक चीज लिखनी है एनालिटिकल में, एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस वी ट्राई टू डिस्कवर द प्योर साइंस. वी ट्राई टू डिस्कवर व्हाट, प्योर साइंस विच इज यूनिवर्सली ट्रू. We try to discover what? Pure science which is universally true and not shifting sense of individual preference. And not shifting sense of individual preference. Once more. And not what? Shifting sense of individual preference. Ye kaun sa jurisprudence hai? Analytical. Kya discover karte hai isme? Pure science. What do you mean pure science? Aisa law nikalne ki koshish karte hai jo sab mante hai. Universally. Jo matlab samaj rahe ho na? Sanatan satya ho jo. Kya ho jo? सनातन सत्य. वो में सनातन सत्य सब मानते हैं. सनातन सत्य मतलब कि जैसे यूनिवर्सली ट्रू है, जैसे सूरज ईस्ट से आता है, ये क्या है, सनातन सत्य. अरे हाँ या ना, अरे यस और नो, वंडरफुल. नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस. अरे एकदम सिंपल है ये. सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ बनते हैं सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो आपको लॉ समझना है तो प्रॉब्लम को समझो, खत्म. ये कहता है लॉ क्यों बनते हैं, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लॉ समझना है तो प्रॉब्लम को समझो. लॉ आर मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम. टू अंडरस्टैंड लॉ, वन शुड अंडरस्टैंड द सोशल प्रॉब्लम. बस इतनी बात लिखना है इसमें. क्या लॉ क्यों बनते हैं, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लॉ को समझना है तो प्रॉब्लम को समझो. फालतू एकदम, ठीक है. क्या कहते हैं ये, कि लॉ क्यों बनते हैं, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लॉ को समझना है तो प्रॉब्लम को समझो. लॉ को समझना है तो एकदम ही आसान है. लास्ट है टेलियोलॉजिकल. What is teleological? Teleological कहता है, teleological कहता है कि भाई law is a product of human reason. बोलो क्या? Law is a product of human reason. ये important है. क्या कहता है? Law is a product of. फिर से बोलो. Law is a product of. फिर से बोलो. Law is a product of human reason. And एक और चीज इसमें आती है कि it is related to notion of purpose. It is related to what? Notion of purpose. Law. लॉ जो है ना बेटा, वो ह्यूमन रीजन का प्रोडक्ट है. मतलब कोई ना कोई रीजन से लॉ आता है, कोई ना कोई पर्पस होता है जो लॉ को फॉलो करना चाहता है. कोई ना कोई लॉ का सुप्रीम एंड है जो लॉ फॉलो करता है. मतलब लॉ किसी ना किसी रीजन से बनता है, ये कहता है टेलियोलॉजिकल. टेलियोलॉजिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लॉ क्यों बनता है, किसी ना किसी रीजन से. लाइक कंपनीज एक्ट क्यों बना, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, कि शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए बना ना. अब कंपनी लॉ का कोई भी प्रोविजन देखो, वो किसके प्रोटेक्शन में बांट करता है, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, हाँ या ना.
तो देयर इज अ सुप्रीम एंड, सुप्रीम एंड क्या है, मेंबर का प्रोटेक्शन, लॉ क्या कर रहा है उसको फॉलो, अरे बोले यस और नो। साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्यों बना, कि फ्रॉड ना हो, गलत ना हो किसी के साथ, और बहुत सारे आपको उसने राइट्स भी दिए, तो कुछ उसके क्या है पर्पस, जो लॉ उसको क्या करता है फॉलो, अरे बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो पीपल। सो लॉ का कोई ना कोई क्या होता है पर्पस, जो लॉ क्या करता है उसको फॉलो। टेलियोलॉजिकल में याद रखना है, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, बोलो क्या, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन रिलेटेड टू नोशन ऑफ पर्पस, रिलेटेड टू व्हाट, नोशन ऑफ पर्पस। देयर इज सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो, देयर इज सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो, वंस मोर, देयर इज व्हाट सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो, वंस मोर, देयर इज व्हाट सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो, वंस मोर, देयर इज व्हाट सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो। एक बार तीनों देख लो जल्दी से। एनालिटिकल ने क्या कहा, कि वी ट्राई टू डिस्कवर प्योर प्योर साइंस, वी ट्राई टू डिस्कवर व्हाट प्योर साइंस, वी ट्राई टू डिस्कवर प्योर साइंस विच इज यूनिवर्सली ट्रू एंड नॉट शिफ्टिंग सेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस, एंड नॉट शिफ्टिंग सेंस ऑफ व्हाट इंडिविजुअल प्रेफरेंस। अच्छा सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस क्या कहता है, सोशियोलॉजिकल क्या कहता है, कि लॉ आर मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड लॉ वन शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अच्छा टेलियोलॉजिकल क्या कहता है, टेलियोलॉजिकल क्या कहते हैं, कम ऑन, क्यों बनता, लॉज आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, लॉज आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, है ना, लॉ आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन रिलेटेड टू नोशन ऑफ पर्पस, देयर इज सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो, देयर इज व्हाट बनी सुप्रीम एंड विच लॉ फॉलो। आंचल कहती नहीं समझा, आंचल कुछ नहीं है, इसका मतलब है टेलियोलॉजिकल का, कि लॉ जो है ना उसका कोई पर्पस होता है, कोई रीजन होता है जिसके कारण लॉ बनता है। टेलियोलॉजिकल सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कोई सुप्रीम एंड मतलब कोई पर्पस है जिसको लॉ फॉलो करता है, कोई रीजन के लिए लॉ बन रहा है। सोशियोलॉजिकल ने क्या कहा था, कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लॉ बनता है, सोशल प्रॉब्लम को। तो आपको लॉ समझना है तो पहले प्रॉब्लम को समझो। और एनालिटिकल ने क्या कहा था, कि हम ऐसे लॉ को ढूंढते हैं जो सनातन सत्य हो, कि जो सब फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फॉलो करता है कोई नहीं करता। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ दिस थ्री ज्यूरिसप्रूडेंस टाइप्स, राइट पीपल। चलिए शिफ्टिंग सैंड मतलब कोई मानता है कोई नहीं मानता, उसे शिफ्टिंग सैंड ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस कह रहे हैं हम कहावत के रूप से। अच्छा अब लास्ट बचे हैं आपके, 15 मिनट में हो जाएंगे, लास्ट बचे हैं सारे जूरिस्ट और उनकी थ्योरी और उनकी क्रिटिसिज्म। क्या पढ़ना है, जूरिस्ट उनकी थ्योरी और उनके क्रिटिसिज्म, जल्दी से हो जाएंगे। आ जाओ सबसे पहले जॉन ऑस्टिन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ कौन बनाता है, जो कौन है पॉलिटिकली सुपीरियर। लॉ क्या लगाता है आप पे, कोई ड्यूटी बैक्ड बाय सेंशन, मतलब उसमें क्या होती है पनिशमेंट। स्टार्टिंग में पढ़ा आज, ये कौन सा था, पॉजिटिविस्टिक था क्या, जॉन ऑस्टिन वॉज पॉजिटिविस्टिक, ठीक है। इसने क्या कहा, लॉ कौन बनाता है पॉलिटिकली सुपीरियर, लॉ इज कमांड ऑफ व्हाट सॉवरेन, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा आपको आप पे कोई ड्यूटी लगे, ड्यूटी फॉलो नहीं किया तो क्या लगेगी आप पे, पनिशमेंट। इसने तीन चीजें बताई थी, तीन थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ, कमांड ड्यूटी सेंशन, फिर से बोलो क्या, कमांड ड्यूटी सेंशन, वंस मोर व्हाट, कमांड ड्यूटी सेंशन। कमांड कौन करता है, जो पॉलिटिकली सुपीरियर है, आप पे क्या लगाता है ड्यूटी, और वो ड्यूटी फॉलो नहीं की तो क्या है सेंशन, क्या है बड़ी इजी। ये हमने कहां पढ़ा था, पॉजिटिविस्टिक में, किधर पढ़ा था बड़ी, पॉजिटिविस्टिक में पढ़ा था। नोशन ऑफ पर्पस मींस एनी रीजन बड़ी। नेक्स्ट है ध्यान देना, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इसने इसको लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। जब भी कोई अच्छा काम करता है लोग उसको क्या करते हैं, 100% है ये भी क्या है, सनातन सत्य, कि अच्छा करोगे तो गालियां पड़ेगी, अच्छा नहीं करोगे तो सिर्फ कम लोग गाली बकेंगे, जब ज्यादा अच्छा करोगे तो ज्यादा लोग गाली बकते हैं, लोग नहीं चाहते ना आप आगे बढ़ो, पीपल डोंट वॉन्ट यू, कि आप यार अभी तक आप पीछे थे आप लोग कैसे आगे निकल रहे हो, तो वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, गाली बकते हैं, लेकिन आपको पीछे मुड़ के देखना है क्या, जस्ट गो अहेड। अभी ध्यान से सुनना पीपल, क्रिटिसिज्म, अब जॉन ऑस्टिन का क्या क्रिटिसिज्म थे देखो, इसने इसको लोग बोलते हैं तूने सॉवरेन किसको फॉलो करेगा ये तो बताया नहीं, इसको लोग क्या बोलते हैं सॉवरेन किसको फॉलो करेगा तूने ये तो बताया नहीं, तूने ये बोला सॉवरेन ड्यूटी लगाएगा लोग फॉलो करेंगे, लेकिन सॉवरेन किसको फॉलो करेगा तूने बोला ही नहीं, तूने जजेस की तो कोई बात ही नहीं की, और तूने इंटरनेशनल लॉ को कवर कर लिया सारा, ठीक है, तूने किसको कवर कर लिया इंटरनेशनल लॉ। तो ध्यान देना इसको तीन गालियां पड़ी, तीन गालियां क्या पड़ी, पहला तो सॉवरेन किसको फॉलो करेगा ये तो तूने बताया ही नहीं, जजेस को तो तूने कंसीडर किया ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ तूने कवर कर लिया। अच्छा नॉट है क्या, आई एम सॉरी डज नॉट कवर्ड इंटरनेशनल, तूने इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं किया, उसको नॉट कर लेना, आई एम सॉरी।
उसको नोट कर लेना। सो तीन गालियां पड़ी थी, क्या तीन गालियां पड़ी थी? पहली कौन सी? तूने सॉवरिन किसको फॉलो करेगा ये तो बताया ही नहीं, जजेस को कंसिडर नहीं किया, और हैव डज नॉट कवर्ड इंटरनेशनल लॉ। उसने इंटरनेशनल लॉ को कवर किया कि नहीं किया? नहीं किया। तीन गाली बेचारे को पड़ी थी। नेक्स्ट आता है रॉस्को पाउंड। नेक्स्ट कौन सा आता है? ये सोशियोलॉजिकल था। कौन सा पढ़िए? सोशियोलॉजिकल। इजी था ये भी। क्या कहता है? कहता है लॉ क्यों बनते हैं? कहता है लॉ बनने चाहिए जिससे मैक्सिमम वांट्स पूरी हो मिनिमम वेस्ट से। कहता है लॉ क्यों कैसे बनने चाहिए? मैक्सिमम वांट्स पूरी हो मिनिमम वेस्ट से। कहता है सोसाइटी के लिए लॉ बनते हैं। किसके लिए लॉ बनते हैं? सोसाइटी। किसके लिए लॉ बनते हैं बड़ी? सोसाइटी। ये कहता है रॉस्को पाउंड, मैक्सिमम वांट्स पूरी होनी चाहिए मिनिमम वेस्ट से। कैसी कैसी वांट्स पूरी होनी चाहिए? मैक्सिमम वांट्स विद मिनिमम वेस्ट। ये कहता है सोसाइटी के लिए लॉ बनते हैं। किसके लिए बनते हैं बड़ी? सोसाइटी। नाम क्या बन देगा? रॉस्को पाउंड। फिर से क्या नाम है? रॉस्को पाउंड। इसने बोला तीन लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल पब्लिक सोशल। तीन लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, बोलो क्या? इंडिविजुअल पब्लिक सोशल। फिर से क्या? इंडिविजुअल पब्लिक सोशल। ठीक है, एक सोसाइटी का हो सकता है और एक आम जनता का हो सकता है। आम जनता इज पब्लिक, सोसाइटी इज सोशल, और एक इंसान का इंटरेस्ट हो सकता है। ये कहता है सारे इंटरेस्ट को हमें रिकॉग्नाइज करना और इफेक्ट देना है। बोलो क्या? सारे इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, इफेक्ट देना, और सबके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। ये बोलता है सबके इंटरेस्ट को क्या करना है? सिक्योर। लाइक जनता का इंटरेस्ट है, सोसाइटी का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, सबको रिकॉग्नाइज करना है, इफेक्ट देना है, सिक्योर करना है। तीन वर्ड याद रखना, रिकॉग्नाइज इफेक्ट सिक्योर। क्या क्या? रिकॉग्नाइज इफेक्ट सिक्योर। किसको? इंटरेस्ट को। किसके? इंडिविजुअल पब्लिक सोसाइटी। इसने कहा मैक्सिमम वांट्स पूरी होनी चाहिए मिनिमम वेस्ट के साथ, सोसाइटी के लिए लॉ बनते हैं। इसने कहा तीन लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल पब्लिक सोसाइटी। हमें तीनों को क्या करना है? रिकॉग्नाइज इफेक्ट सिक्योर। रिकॉग्नाइज करके इफेक्ट देना और सिक्योर भी करना है। फिर से बोलो क्या? रिकॉग्नाइज करके इफेक्ट देना और सिक्योर भी करना। इसने क्या कहा? रॉस्को पाउंड ने क्या कहा जल्दी बताओ? क्या लॉ क्यों बनते हैं? कि भैया मैक्सिमम वांट्स पूरी हो मिनिमम वेस्ट के साथ। इसने कहा तीन लोगों के इंटरेस्ट है। कौन तीन लोग? इंडिविजुअल पब्लिक सोशल। हमें क्या करना है? उसको रिकॉग्नाइज करना है, इफेक्ट देना है, हाँ, और क्या सिक्योर भी करना है, हाँ। किसने कहा था ये? रॉस्को पाउंड। ओके, नेक्स्ट है जॉन विलियम सेलमन। नेक्स्ट क्या बड़ी? जॉन विलियम सेलमन। फिर सोलो, नेक्स्ट कौन है? ये एक नंबर का गधा आदमी था, एक नंबर का गधा आदमी था, गधा आदमी। कोई कह रहा है सर जितना नोट्स में लिखा उतना लिखेंगे, सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, जॉन विलियम सेलमन गधा आदमी था, गधा। इसको खुद नहीं पता था मैं क्या बक रहा हूं, दारू पी के बात कर रहा था ये। इसने इतनी फालतू फालतू बातें की तुम देखना। कहता है लॉ जस्टिस के लिए बनते हैं। लॉ क्यों बनते हैं? जस्टिस। सुनते जाओ बस इसकी बातें। कहता है लॉ बनते हैं जस्टिस के लिए। कहता है जस्टिस सबसे मेन काम है। कहता है जस्टिस सबसे मेन काम है। कहता है जस्टिस प्राइमरी है, लॉ सेकेंडरी है। क्या कहता है? जस्टिस प्राइमरी है, लॉ सेकेंडरी है। कहता है लॉ अनएसेंशियल है। देख रहे हो, बंदा इतना बड़ा हो गया, जिससे ऊपर आया उसी को गाली बकरा। कहता है लॉ क्या है? अनएसेंशियल है। फिर कहता है लॉ क्यों बनते हैं? जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। क्यों बनते हैं लॉ? जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए। फिर कहता है जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन बिना लॉ के भी पॉसिबल है, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्या बोलता है? वो चलेगा नहीं, लॉ तो लगेंगे बाद में। क्या कहता है? लॉ तो लगेंगे, बिना लॉ के भी जस्टिस हो सकता है कैसा? ये कहता है भाई, लेकिन वो चलेगा नहीं। ये फालतू आदमी की फालतू बातें हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, देख लो भाई, पहली बात क्या बोला इसने? लॉ क्यों बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्यों बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। व्हाट इज प्राइमरी टास्क? जस्टिस। व्हाट इज प्राइमरी टास्क? जस्टिस। लॉ आर सेकेंडरी, जस्टिस इज प्राइमरी। लॉ आर अनएसेंशियल, एक्सीडेंटल। ठीक है, लॉ क्यों बनते हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ही सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल विदाउट लॉस, बट दैट सिस्टम इज नॉट डिजायरेबल। कहता है भैया लॉ के बिना भी जस्टिस हो सकता है, बट वो डिजायरेबल नहीं है। क्या इसकी खुद ही की, क्या इसकी खुद ही की थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्शन है? यस। क्या ये बता रहा है कि लॉ क्या? ये तो बताया नहीं इसने। लॉ क्या ये तो बताया नहीं। दूसरी चीज, अच्छा, जस्टिस का सोल पर्पज ऑफ लॉ होता है ना? ये इसके क्रिटिसिज्म है। इसकी क्रिटिसिज्म है कि जस्टिस एंड अ लॉ माध्यम है। ये बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, पहला। दूसरा, जस्टिस क्या सोल पर्पस ऑफ लॉ है? नहीं। अबे झंडू, सिर्फ क्या जस्टिस के लिए लॉ बनते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए लॉ बनते हैं? बहुत सारी। तो ये गलत बात बोला इसने। फिर तीसरी, इसकी खुद ही की थ्योरी में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। खुद ही की थ्योरी में क्या है बॉस? कॉन्ट्राडिक्शन। तो आ जाओ इसको देख लो, क्या बोला था इसने?
जॉन विलियम सेलमंड ने, कि लॉ क्यों बनते हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. लॉ क्यों बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. प्राइमरी क्या है? प्राइमरी क्या है? जस्टिस. लॉ क्या है? सेकेंडरी, एक्सीडेंटल, अनएसेंशियल. देख रहे हो भाई ने क्या बोला? लॉ क्या है? एक्सीडेंटल, सेकेंडरी, अनएसेंशियल. लॉ क्यों बनते हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. क्या बिना लॉ के भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकता है? हाँ, बट वो सिस्टम डिजायरेबल नहीं है. इसने बोला इसके तीन क्रिटिज्म थे, जस्टिस एंड अ लॉ माध्यम है. बहुत लोगों ने क्या किया, इसको क्वेश्चन किया. सेकेंड, इसकी खुद की थ्योरी में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शंस. और तीसरा, जस्टिस इज सोल पर्पस ऑफ लॉ. एज इज इट ट्रू? नो, ऑब्वियसली. बस लास्ट दो बचे हैं, एक बचा हेंस केल्सन और बचा जेमी बेंथम. दोनों इंपॉर्टेंट है. हेंस केल्सन वॉज ऑल्सो पॉजिटिविस्टिक. हेंस केल्सन कौन था? अरे बोलो कौन था? पॉजिटिविस्टिक. इसने बोला लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस. क्या बोला बेटा? लॉ इज वॉट? नॉर्मेटिव साइंस. मतलब अच्छा करोगे अच्छा होगा, गंदा करोगे गंदा होगा. लॉजिक्स या कर्मा, या आप बोल सकते हो कि गुड फेथ. ठीक है, कर्मा में बिलीव करते हो? करते हो आप लोग? कर्मा में बिलीव करना चाहिए. चलो अभी ध्यान देना. हेंस केल्सन जो है, इसने कहा लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस. लॉ इज व्हाट बटी? नॉर्मेटिव साइंस. अच्छा, दो प्रकार के साइंस होते हैं, एक नेचुरल साइंस और एक कौन सा? नॉर्मेटिव साइंस. ग्रेविटी क्या है? नेचुरल साइंस. व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गंदा करेंगे तो गंदा होगा. ही सेड लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस. इसने ना लॉ को एक नाम दिया. लॉ को एक नाम दिया, बोला लॉ और नॉर्म. क्या बोला? लॉ और व्हाट? बोलो. इसने क्या नाम दिया लॉ को? लॉ और व्हाट? नॉर्म. इसने बोला कि लॉ, इसने फोकस किया व्हाट वाज लॉ इंस्टेड ऑफ व्हाट इट शुड बी. इसने ये फोकस किया कि लॉ क्या था, ये नहीं बताया कि लॉ क्या होना चाहिए. इसने लॉ को एक नाम दिया, नॉर्मेटिव साइंस. ठीक है, इसने सेंशंस को कंसीडर किया. सेंशंस मतलब पनिशमेंट्स. किसको कंसीडर किया बेटा? पनिशमेंट. इसने बोला सबसे बड़ा जो लॉ है उसको बोलते ग्रंड नॉर्म. कौन सा नॉर्म? ग्रंड नॉर्म. ग्रंड नॉर्म सबसे बड़ा लॉ है, और उसके नीचे अलग अलग नॉर्म होते हैं, अलग अलग लॉ होते हैं. पिरामिड स्ट्रक्चर दिया ऐसा. सबसे ऊपर का लॉ जो है वो कौन सा है? ग्रंड नॉर्म. और उसके बाकी के लॉ नॉर्मल नॉर्म्स. नॉर्मल क्या है बड़ी? वो नॉर्म्स. इसने बोला ग्रंड नॉर्म जो है, ग्रंड नॉर्म जो है, ग्रंड नॉर्म जो है बड़ी, वो अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है. जैसे इंडिया का ग्रंड नॉर्म क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का ग्रंड नॉर्म क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिका का भी क्या है? उनका कॉन्स्टिट्यूशन. इसने क्या बोला? इसने भाई ने बोला कि लॉ आर नॉर्मेटिव साइंस. बोलो लॉ क्या बोलता है? कि लॉ क्या है? नॉर्मेटिव साइंस. इसने लॉ को एक नाम दिया. नाम क्या दिया? नॉर्म. बोलो क्या नाम दिया बेटी? नॉर्म. इसने बोला जो सबसे बड़ा नॉर्म है वो कौन सा है? ग्रंड नॉर्म. सारे नॉर्म्स अपनी वैलिडिटी कहां से लाते हैं? ग्रंड नॉर्म. मेरे को तो इंडिया में जितने लॉ आए हैं कहां से आए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ग्रंड नॉर्म. बाकी के लॉ क्या है? नॉर्म. इसने फोकस किया व्हाट वाज लॉ इंस्टेड ऑफ व्हाट इट शुड बी. क्या फोकस किया? व्हाट वाज लॉ इंस्टेड ऑफ व्हाट इट शुड बी. क्या सेंशंस को कंसिडर किया? हाँ. हेंस केल्सन में चार पांच बातें याद रखनी है. पहला, इसने किस कौन से साइंस पे फोकस किया? नॉर्मेटिव साइंस. इसने लॉ को क्या नाम दिया? नॉर्म. सारे लॉस को एक नॉर्म से वैलिडिटी मिलती है, वो लॉ कौन सा है? ग्रंड नॉर्म. इसने सेंशंस को कंसिडर किया? हाँ. इसने किस पे फोकस किया? व्हाट वाज लॉ, इस पे फोकस किया है, इंस्टेड ऑफ व्हाट इट शुड बी. अरे हाँ या ना? यस और नो? इसके तीन क्रिटिसिज्म है. पहला, कि ग्रंड नॉर्म क्या, इसको ट्रेस करना डिफिकल्ट है. लाइक इंडिया में तो बड़ा ईजी है कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी हर कंट्री में थोड़ा टफ बन जाता है. दूसरा बोला ग्रंड नॉर्म भी प्योर नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से बनाया जाता है. अरे कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कहीं ना कहीं से बना, तो वो भी प्योर नहीं है. और इसने क्या किया ना, इसने क्या किया ना बड़ी, ठीक है, इसने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ पे ज्यादा थ्योरी लिखी है, म्युनिसिपल लॉस की बात नहीं किया. जो छोटे मोटे सिटी के लॉ होते हैं, पंचायत के लॉ होते हैं, उस पर कंसिडर नहीं किया. म्युनिसिपल लॉस पे कंसिडर नहीं किया. इसने क्या फोकस किया? सीधा इंटरनेशनल लॉ. क्या बंदे का नाम था बेटा? हेंस केल्सन. फिर से बंदे का नाम क्या था? हेंस केल्सन. पांच छह बातें याद रखनी. इसने क्या बोला कि लॉ क्या है? नॉर्मेटिव साइंस. लॉ को क्या नाम दिया? नॉर्म. सारे नॉर्म्स का एक हेड कौन है? ग्रंड नॉर्म. सारे लॉस को, सारे नॉर्म को वैलिडिटी कहां से मिलती है? ग्रंड नॉर्म. इसने सेंशंस को कंसीडर किया? हाँ. इसने क्या फोकस किया? व्हाट वाज लॉ इंस्टेड ऑफ व्हाट इट शुड बी. लेकिन इसके क्रिटिसिज्म क्या है? कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस ग्रंड नॉर्म. क्या ग्रंड नॉर्म प्योर है? नहीं. क्यों प्योर नहीं है? क्यों ग्रंड नॉर्म प्योर नहीं है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से आया है. पांच मिनट बस, ठीक है. क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से आया है. और इसने क्या म्युनिसिपल लॉस पे फोकस किया? आंसर इज, इसने म्युनिसिपल लॉस पे फोकस नहीं किया. इसने सिर्फ किस पे फोकस किया? इंटरनेशनल लॉ. किस पे फोकस किया बड़ी? इंटरनेशनल. बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? क्या नाम है बंदे का? हेंस केल्सन. है ना जी? क्या नाम है बंदे का?
हैंस कैल्सन. इजी. ओके स्वीट हार्ट, अब सुनो मेरी बात ध्यान से. लास्ट बचा है जेमी बेंथम, लेकिन मेरे को प्रॉमिस करो आज इसको करोगे घर पे पक्का. मेरी कसम मत खा साले, नहीं गया तो मर जाऊंगा मैं. तू तो बोली मत है, तू तो बोली मत बेटा, तेरे पे तो भरोसा ही नहीं है मेरे को. अभी ध्यान देना आ जाओ, लास्ट क्या बचा है बेटा है जेमी बेंथम. सुनो सोर्स ऑफ लॉ. हेलो हेलो हेलो, ये टॉपिक ऐसा मैं हाफ एन आवर में करा सकता था, बट मैंने क्यों इतना टाइम लिया है, क्योंकि तुम्हें हाँ तुम्हें बने ये कि ऐसा लगे कि मेरे को घर पे हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. इफ यू गेन कॉन्फिडेंस यू विल डू इट. इफ अगर ऐसा सोचेंगे नहीं होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है फिर. क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली. अभी ध्यान देना पीपल. नेक्स्ट एंड लास्ट है जेमी बेंथम. लास्ट क्या बड़ी? जेमी बेंथम. चलिए आ जाओ बड़ी, मेरा फेवरेट है जेमी बेंथम. आ जाओ. ये कहता है, मेरा फेवरेट है भाई ये जेमी बेंथम. ये कहता है लॉ जो है ना दो चीजों की कमांड में, पेन एंड प्लेजर. क्या किसकी कमांड में? पेन एंड प्लेजर. ये कहता है जहां दर्द है वहां मजा है. क्या कहता है भाई ये? जहां दर्द है वहां मजा है, बिना मजे के, मतलब बिना दर्द के मजा नहीं. जहां मजा आएगा वहां पे क्या होगा? थोड़ा दर्द. किसने कहा ये? जेमी बेंथम. जेमी बेंथम सेज दैट लॉ इज इन कमांड ऑफ टू सॉवरेन, पेन एंड प्लेजर. इसने सबसे ज्यादा फोकस जिस पे किया ना, वो क्या? बेनेवोलेंस. व्हाट इज बेनेवोलेंस? बेनेवोलेंस मतलब होता है परोपकारी. क्या मतलब होता है? परोपकारी. व्हाट मीन परोपकारी? चैरिटी करो. इसने बिलीव किया चैरिटी करो. क्या करो बड़ी? चैरिटी. भाई ने बिलीव किया, बड़ा अच्छा आदमी था ये. इसने कहा प्रिंसिपल ऑफ बेनेवोलेंस पे फोकस करो. कहता है लॉ इज इन कमांड ऑफ टू थिंग्स, प्लेन एंड प्लेजर. भाई ने सबसे बढ़िया बात किया. इसने कहा हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल. इसने कहा कि भाई एक एक की खुशी से सबकी खुशी है. क्या बोला? एक एक की खुशी से सबकी खुशी है. सो इंपॉर्टेंट क्या है? खुशियां. क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? खुशियां. तेरा नाम क्या है? पूर्वी. बोला खुशी नाम इतना असरिया. तो अभी ध्यान देना. ओके सो एक एक की खुशी से सबकी खुशी है. हमारी क्लास में आज खुशी ना ऐसे है बट वैसे नहीं है. ओके अभी ध्यान देना पीपल. चलिए सो हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन व्हाट? हैप्पीनेस ऑफ ऑल. किसने कहा ये? जेमी बेंथम. किसने कहा बड़ी ये? जेमी बेंथम ने कहा. ध्यान देना बड़ी की हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल. इसने कहा इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर हैप्पीनेस ऑफ द मेंबर्स एज अ कम्युनिटी. हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सब खुश रहे, ठीक है. हमें जब लॉ बनाने तो किसी की सेल्फिश डिजायर देख के लॉ बनाने की कॉमन गुड के लिए. तो वी हैव टू मेक लॉ नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन सेल्फिश डिजायर बट बिकॉज ऑफ कॉमन गुड. बट बिकॉज ऑफ वॉट बेटा? कॉमन गुड. किसने कहा ये? जेमी बेंथम. जेमी बेंथम की चार पांच बातें याद रखना है. सबसे पहला लॉ इज इन कमांड ऑफ टू थिंग्स, वॉट? पेन एंड प्लेजर. किस कौन से प्रिंसिपल पे इसने ध्यान दिया? प्रिंसिपल ऑफ बेनेवोलेंस. हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल. अरे बोलो हाँ या ना. हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल. वंस मोर, हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ. अरे यस और नो? अच्छा हमें क्या इंश्योर करना है? सारे मेंबर्स क्या रहे? खुश. हमें क्या कॉमन गुड के लिए काम करना है कि सेल्फिश डिजायर के लिए? कॉमन गुड के लिए. वी हैव टू वर्क फॉर कॉमन गुड एंड नॉट फॉर द सेल्फिश डिजायर. इसने बोला बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात रखा, पेन एंड प्लेजर पे रखा. इसने बोला मैक्सिमम हैप्पीनेस रखना है हमें. इसने बोला किसी भी लॉ में क्या क्या होना चाहिए, किसी भी लॉ में क्या क्या होना चाहिए. तो पहला सोर्स. व्हाट इज योर सोर्स? कि कहां से लॉ आया, तो कहां से आता है? सोवरेन से. दूसरा सब्जेक्ट, वो पर्सनल हो सकता है. एक्सटेंट होना चाहिए हर लॉ में. एक्सटेंट मतलब कहां ये लॉ लगेगा. फिर एस्पेक्ट होना चाहिए. एस्पेक्ट मतलब क्या कमांड है, क्या नॉन कमांड है, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या नॉन प्रोहिबिटेड. मतलब ये बताता है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है, क्या आपको करना सही है, ये सब बताता है. अच्छा रेमेडियल रूल इसने जजेस को एड्रेस किया. मतलब क्या कि किसी को रेमेडी चाहिए तो कहां जाएगा? जज के पास. हर लॉ में ऑब्जेक्ट होगा मतलब उसका पर्पस, और फोर्स होगा मतलब लॉ को आपको क्या करना है, फॉलो. इसने ये बोला कि ये हर लॉ में ये सब होना चाहिए. क्या क्या होना चाहिए? सोर्स कि वो लॉ कहां से आया, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंड वो लॉ कहां लगेगा, एस्पेक्ट कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, रेमेडीज के लिए कहां जाना है, जज. हर लॉ में क्या होगा? ऑब्जेक्ट. और फोर्स, फोर्स मतलब कि आपको लॉ फॉलो करना ही है. हर लॉ में क्या होना चाहिए, फिर से बोलो? सोर्स मतलब क्या कि लॉ कहां से आया. सब्जेक्ट मतलब ये पर्सनली कुछ भी हो सकता है. एक्सटेंड मतलब कहां ये लॉ लगेगा. एस्पेक्ट मतलब क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है. रेमेडी मतलब एड्रेस टू जज. व्हाट डू यू मीन दैट? कि जजेस के पास जाना है. ऑब्जेक्ट
हर लॉ का अपना अपना ऑब्जेक्ट है, पर्पस है। फोर्स मतलब कि आपको लॉ फॉलो करना ही है। इसके भी क्रिटिसिज्म थे चार। इसको क्रिटिसिज्म ये मिला कि भाई तूने लॉ क्या ये तो बताया ही नहीं, लॉ क्या तूने ये तो बताया ही नहीं। दूसरा, तूने कस्टम को कंसिडर किया ही नहीं, तूने जजेस लॉ बना सकते हैं ये बोला ही नहीं। और तीसरा, एक की खुशी दूसरे का दुख बन जाती है, तूने नहीं बताया। एक की खुशी दूसरे का दुख बन जाती है, तूने नहीं बताया। अरे होता है ना, एक खुश होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, दुखी। अरे होता है ऐसा, है ना जी। तो ये तो तूने बताया ही नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। तो भैया ध्यान देना बड़ी, जैमी बेंथम, बोलो क्या, जैमी बेंथम। इसकी पूरा रिवाइज करते हैं। इसने सबसे पहले बताओ क्या बोला, लॉ जो है दो कमांड से चलता है। पहला कौन सा, पेन एंड प्लेजर। एक क्या है, सुख, एक क्या है, दुख। ठीक है भाई। इसने किन कौन से प्रिंसिपल पे फोकस किया, बेनेवोलेंस, मतलब क्या, परोपकारी। इसने बोला सबकी खुशी पे ध्यान दो, हैप्पीनेस ऑफ ईच विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल। अरे हाँ या ना। इसने कहा लॉ क्यों बनने चाहिए, सेल्फिश डिजायर और कॉमन गुड, कॉमन गुड के लिए लॉ बनने चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ सेल्फिश डिजायर। इसने कहा लॉ में क्या क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए सोर्स, मतलब लॉ कहां से आया, सब्जेक्ट पर्सनली हो सकता है, एक्सटेंड मतलब कहां ये लॉ लगता है, एस्पेक्ट मतलब क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, रेमेडीज किसको दिया, जजेस की रेमेडी, मतलब आपको भैया कुछ गलत हुआ तो किधर जाना पड़ेगा, जजेस। ऑब्जेक्ट दैट्स अ पर्पस की भैया लॉ किस लिए बना। और फोर्स मींस व्हाट, कि आपको ये क्या करना है, फॉलो। अच्छा लास्ट, इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, इसने क्या लॉ क्या ये तो बताओ बताया ही नहीं, लॉ क्या ये तो बताया नहीं। दूसरा, इसने कस्टम को ध्यान नहीं दिया। तीसरा, इसने जजेस को अलाउ नहीं किया कि ये भी लॉ बना सकते हैं। और एक की खुशी दूसरे का दुख बन जाती है, हैप्पीनेस ऑफ वन विल रिजल्ट इन कॉस्ट ऑफ अनदर हैप्पीनेस, ये इसने बताया नहीं। तो ये सब क्या थे, इसके बड़ी एक्सेप्शंस। बोलो हाँ या ना। अब सुनो, पूरा का पूरा सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया, आपको भी घर पे स्किप नहीं करना है। आ सकते एग्जाम में जैमी बेंथम, आ सकते हैं इस बार एग्जाम में जैमी बेंथम से, इस बार नहीं पूछे बहुत समय से, आ सकता है आपको पूरा। मेरे को तो घर पे 1.5 आवर में हो जाएगा, मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम टू आवर्स इसको कर लेना। कल सुनो मेरी बात, कल मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करवाऊंगा एज वेल एज कल मैं स्टैम्प एक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। स्टैम्प एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव दो करवा देता हूँ कल, परसों फिर करेंगे एविडेंस, ठीक है। और हमारा क्या बचेगा, आर्बिट्रेशन और आईटी, बस ये दो ही बचेंगे फिर, है ना। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू भी तो है, एक नाइट सेशन लेना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, आज कौन सी तारीख है, आज 18 है ना, मैंने 22 तक का टारगेट लिया, 22 तक हो रहा है हमारा, 18, 19, 20, 21, 22 आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 22 का। 23 और 24 को मैं ले लूंगा सेटिंग अप के अमेंडमेंट्स, और फिर मैं 25 को छुट्टी होगी बिकॉज आई एम गोइंग माई होम बैक। 26 से फिर सेटिंग अप का शुरू करेंगे क्या, रिविजन, राइट पीपल। चलो तो अभी के लिए डन करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है, रीजन बींग आई एम नॉट स्ट्रेचिंग ड्यू टू माई थ्रोट पेन। सो कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम 10:30, और परसों से मिलेंगे 11 o'clock, राइट पीपल। चलिए बाय बाय। हाँ क्या, हाँ वो मैं देता हूँ इसके बाद, कल देता हूँ। चलिए ठीक है बड़ी। सो जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं गाइज, ये लेक्चर थोड़ी देर तक है, 2-3 घंटा। सो कमेंट करके बताना सोर्सेज ऑफ लॉ याद हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। तो आप लोग बताना आप लोग को बना, समझ आया। एविडेंस एक करेंगे ना परसों करेंगे मोस्टली, ठीक है, ओके बड़ी, चलो बाय। टेलीग्राम की लिंक मैंने डलवाई है फिर से, देखो मैं बोलता हूँ यार ऑफिस में, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है उसमें, फिर भी मैं अभी फोन करता हूँ, अब 10 मिनट बाद चेक करना, ठीक है, ओके पीपल। चलिए जी, ओके टाटा। अब्बर सर शुरू करेंगे परसों से, परसों से 9:30 से अब्बर सर शुरू करेंगे, ठीक है बड़ी। चलो बाय, लव यू, टेक केयर, मिस यू, बाय बाय स्वीट हार्ट्स, बाय। यस बड़ी, बाय बाय।